पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज स्वाध्याय हरियाणवी में नौवा दिन है, तो हमारा चैनल का पहले नियम है नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो हरी नो वरी। तो इसी नियम को आधार बनते हुए आप सेशन आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारे होस्ट सरिता देहिया जी, हमारा स्पीकर्स पूजा, मोनिका और रितु। सरिता मैडम, आज का सेशन शुरू किए। पीएमसी हरियाणवी चैनल के सारे दर्शकों ने सरिता दैया की प्यार भरी राम राम। जैसा कि हम सब ने बेरा भी स्वाध्याय सीरीज चल रही है और आज नौवां दिन है और आज स्पीकर्स के रूप में एक नई पूरा बुक के लेकर आई हूँ। आज पूरे 3 स्पीकर्स हैं और स्पीकर्स भी युवा पीढ़ी की हमारी बालिकाएं हैं जो BAMS फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हैं और तीनों लड़कियां इसहार नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा में पढ़े हैं और वो अलग अलग विषय पर अपने वक्तव्य प्रकट करेंगी। और मैं सबसे पहले मोनिका ने बुलाना चाहूंगी जो हमने बताएगी कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल विजडम क्या हुआ है, हम क्यों कर आयुर्वेदिक जिंदगी बिता सके हैं, उसने हमने क्या क्या फायदा हुआ है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजा का परहेज रखना चाहिए, ये सारी बात आज मोनिका हमने बताओगी। मोनिका जल्दी से स्क्रीन पर आ जा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सरिता मैडम, अभी तक मोनिका आया नहीं और पूजा भी आया नहीं, रितु भी आया नहीं। आप एक काम करो मैडम, 2-3 मिनट मेडिटेशन करवा दो मैडम, इतना टाइम मैं फोन कर, नहीं तो आप कोई कहा नहीं तो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आप कोई स्टोरी शेयर कर सकते, 2-3 मिनट 5 मिनट तक। ठीक है सर, देखो ये थोड़े सा हम खेद प्रकट कर रहे हैं कि भी मोनिका इधर पहुंच नहीं पाई है, स्टूडेंट है, क्लास लग रही है, थोड़ा टाइम की बच्चों के पास समय की कमी रहे हैं इसके कारण वो अभी पहुंच नहीं पाई है। उससे पहले मैं एक बहुत मेरी मनपसंद स्टोरी है एक वह सुनाना चाहूंगी जब तक मोनिका भी जुड़ जाएगी और हम सब उस कहानी का आनंद लेवेंगे। तो एक बार एक आदमी हुआ है, वो समझ नहीं पाता भी मैं किसकी पूजा करूं, किसका ध्यान करूं, किसका क्या करूं, वो न्यू कदे किते हनुमान के मंदिर में जा, किते राम के मंदिर में जा है, किते शिव जी के, बोले भाई सबकी तो पूजा कर रहे हैं, सारे तो शक्तिशाली हैं, मन किसकी पूजा करनी चाहिए, मैं किस न मानू भी, किसके साथ में जुड़ू कि भी मेरा उद्धार हो जा। तो किसी ने बताया भी सारे देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुआ है, आप गणेश जी की पूजा करा करो, गणेश जी के मंदिर में जाओ। तो बेचारा भोला बड़ा आदमी रोज गणेश जी के मंदिर में जान लग गया। तो एक दिन के देखा है गणेश जी के मंदिर में लड्डू चढ़ा रखे थे और उनने एक चूहा ले जा ठाकर मंदिर में, वो खावे है और फिर उसने कीड़ा ले जा है। तो आदमी सोचा जब गणेश जी के लड्डू ने जब यो चूहा ले गया तो इस शक्तिशाली तो यो चूहा है, तो वो क्यों करे करके उस चूहे ने पकड़ ले है और उसकी पूजा शुरू कर दे भी, मैं तो चूहे की पूजा करूंगा, ये मूसा है जो इसने रोज पूजूंगा। तो चूहा अपने मौज हो रही चूहे की, तो बैठे अपने मिले खाने और अच्छा नुआव दुआव चूहे ने भी। तो फिर के देख है बिल्ली आ जा है, चूहा डरता भाजा लुकरा भी उसकी तो जान न बनगी। तो उसने देखा आदमी ने भी जब चूहा भी अपनी रक्षा नहीं कर सके, इस ताकतवर तो बिल्ली है, मैं बिल्ली की पूजा करनी चाहिए, पूजा बिल्ली ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो बिल्ली की पूजा करने लग जाए है, बिल्ली ने राख ले है, खूब दूध पिया बिल्ली तो बिल्ली भी अपना मजे में। तो फिर एक दिन कुत्ता आ जा, वो बिल्ली के पाछे लाग ले है, तो बिल्ली भी डर के भाज ले है अपने बचाव खातर। फिर आदमी सोचे जब यह कुत्ते तो रक्षा नहीं कर सकी तो फिर बीस शक्तिशाली तो कुत्ता है, तो वो कुत्ते न मानने लग जाए।
भी वो फिर कुत्ते की पूजा करे है, कुत्ते ने खूब रोटी राटी खुआओ प्यावे तड़के सांझे अपने खूब सेवा करे कुत्ते की। तो फिर एक दिन क्या हुआ, कुत्ता रसोई में बढ़ जाए और वह जो उस आदमी की घरवाली थी ठाक डंडा एक कुत्ते का मारा ले जाए रोया सारी चीज खिंड आ गया, यो कर दिया वो कर दिया। तो उन्हें देखा भी कुत्ते तो शक्तिशाली जो है मेरी पत्नी है वह है, इसने कुत्ते का भी मारा। तो फिर वो अपनी पत्नी ने पूजन लाग जाए खूब उसकी सारी बात मानना खूब सेवा पानी जो का वह वह ला दे उस खातर। फिर एक दिन क्यों है भी औरत है आदमी है इंसान है कुछ ना कुछ गलती हो जाए, उस तक में गलती होगी और उसका उठा छो तो वह खूब कड़ी धमका दी उसने अपनी पत्नी थी जो बोला छो में आदमी ये भूल जाए है क्यों हो रहा है वो तो छो तो फिर छो जिस पे आ जाए गुस्सा है हैवी हो जाए वो गुस्सा है बुद्धि ना कंट्रोल कर ले तो भूल गया कि मैं इसकी पूजा भी करा करता। तो वो देखा कि भाई मैं अपनी पत्नी की पूजा करूंगा लेकिन आज तो मन ने भी है धमका दी बीस तो शक्तिशाली तो मैं हूं। तो आखिर में उसका यो निष्कर्ष निकला भी कितने घूमने की जरूरत नहीं है सब तो बड़ा आपा ही शक्तिशाली है, जब हम अपने आप का सम्मान करेंगे अपने भीतर लेने पिछाड़ेंगे वो ही सब तो शक्तिमान है वो ही भगवान है। तो वो ही हम ध्यान के द्वारा भी सिखाऊंगा कि भी ध्यान में अपने आप ने पहचानो अपनी शक्तियां ने जागृत करो श्वास पे ध्यान दो। या मेरी आज कहानी थी। और ऋतु मोनिका जुड़ गई क्या? मोनिका जी मैडम अभी तक आया नहीं, दो मिनट में आ रहा है, मैं फोन किया अभी। टू मिनट्स मैडम, नेटवर्क प्रॉब्लम। ऋतु को ले ले। हाँ ऋतु। हाँ जी एक हाँ ऋतु यस सरिता मैडम ऋतु शुरू कर देंगी। ये देखो मैंने एक अपनी तरफ से एक छोटी सी कहानी सुना दी थी तो एक बहुत बढ़िया योगी परमहंस जी की ऑटोबायोग्राफी कहानी हमारे सामने ऋतु चौधरी सुनाओगी। और ऋतु चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी कहानी लेकर आओ। ऑटोबायोग्राफी है जो योगी परमहंस जी की हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यस मैम थैंक यू सो मच। तो अभी हम इस बुक के बारे में जानेंगे। ये परमहंस योगानंद जी हैं, इन्होंने ही अपनी कथामृत लिखी थी, इसमें इन्होंने अपने बारे में लिख रखा है। तो हम इनके बारे में जानेंगे, इनका जीवन कैसे बीता और इन्होंने क्या क्या चमत्कार किए। तो परमहंस योगानंद जी मतलब हमारे पुराने टाइम के एक सबसे अच्छे गुरु थे। इन्होंने ना योग को और ज्ञान और ध्यान को अमेरिका और बाकी दूसरे देशों तक भी पहुंचाया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये एक भारतीय योगी और गुरु हैं। इन्होंने अमेरिका में ये फेलोशिप के नाम से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी जिसके थ्रू इन्होंने लाखों लोगों को ध्यान सिखाया। तो अब इनका हम इनकी जीवनी देखते हैं सबसे पहले। तो ये तब इनका जन्म गोरखपुर के एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ था और इनके जो माता पिता थे वो भी अध्यात्म से जुड़े हुए थे। और जो इनके माता पिता हैं उनके गुरु थे जो लहारी महाशय, आपने सुना होगा इनके बारे में, जो कि बाबा महावतार जी के शिष्य हैं। तो इनका इनका पूरा परिवार ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने इनका जीवन का एक मेन जो इन्होंने अपनी बात बोली वो ये लिखते हैं इसमें कि मैं अपने जीवन की छोटी से छोटी बात ना ईश्वर से पूछ के करता हूँ। कुछ भी इनको फैसले लेने होते हैं या फिर ये कुछ भी अपना जीवन में करने लगते हैं तो ये बोलते हैं इस बुक में कि मैं हर कुछ ईश्वर के आशीर्वाद से करता हूँ। इनको कुछ भी करना होता था पहले ध्यान में बैठते और सोचते तब ये सारे कार्य करते। तो इन्होंने इसमें बताया है कि जो भी हम सोचते हैं ना वो पहले से लिखा होता है। कि जैसे इनकी मृत्यु हुई थी तब इनको पहले से आभास हो गया था, इन्होंने समाधि ली थी तो इन्होंने अपनी मर्जी से ली थी कि हाँ मुझे कब कैसे मेरी मृत्यु होगी, मुझे कैसे लेनी है, कैसे मैं संसार को छोड़ के चला जाऊंगा। इन्होंने ऐसे ही कई सारे मिरेकल किए, जैसे कि ये तब छोटे थे तब से ही ना ये अध्यात्म से कुछ अलग तरीके से जुड़े हुए थे, सामान्य लोगों से अधिक इनके अंदर ज्ञान था। तो तब ये 17 साल के थे तब ये अपना घर छोड़ के निकल पड़े। ये कहते अपने परिवार को कि मुझे एक गुरु की तलाश है, मुझे अपना गुरु मिलेगा तो वो मुझे घर के बाहर जाके उनको ढूंढना पड़ेगा। तो ये गली गली घूमते रहे। फिर इनकी मुलाकात हुई युक्तेश्वर गिरी जी महाराज से, वो जो इनके गुरु बने। इन्होंने उनसे बात की, बोला कि आप मेरे गुरु हो और मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। तो उनकी रेख देख में इन्होंने अपना 11 साल बिताए और उनसे क्रिया योग की साधना सीखी।
और मेडिटेशन के बारे में सीखा। फिर परमहंस योगानंद जी ने एक स्कूल खोला, उस स्कूल में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट चलाया, उसका नाम था हाउ टू लीव स्कूल। उसमें इन्होंने बताया कि जो किसी भी व्यक्ति का विकास होना होता है ना, वो मानसिक और शारीरिक तौर से बल्कि आध्यात्मिक तौर से भी होना चाहिए। तो वहां पे इन्होंने लड़कों को एडमिशन दिया स्कूल में और वहां पे ये अध्यात्म की शिक्षा देने लग गए। फिर उसके बाद ये जो इनके गुरु थे उन्होंने इनको बताया कि आपको ना बस इंडिया में ध्यान नहीं सिखाना, आपको ना पूरे वर्ल्ड में ध्यान सिखाना है। तब इनको एहसास हुआ कि इनका जन्म ही ध्यान सिखाने के लिए हुआ था, तो ये अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद इन्होंने ये अपनी सोसाइटी स्टार्ट करी। इस सोसाइटी का नाम था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। वहां पे ये लेक्चर्स देते थे, लोगों को ध्यान सिखाते, लाखों लोग इनसे जुड़ गए थे और उधर ये एक बहुत अच्छे गुरु बन गए। फिर वहीं पे इन्होंने समाधि ली थी। तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कैसे अपने जीवन में फर्स्ट टाइम जब इनको ये फील हुआ कि हाँ इनके अंदर एनर्जी है। एक बार ये अपनी बहन के साथ छत पे देख रहे थे, बहुत सारी पतंग उड़ रही थी तो उनको देख रहे थे, तो इनको ऐसे एहसास हुआ कि हाँ कि मुझे ना पतंग चाहिए, मैं इसको कैसे पा सकता हूँ। तो इन्होंने अपनी आंखें बंद करी और इन्होंने भगवान से मांगा कि ईश्वर मुझे ये पतंग चाहिए। तो वो एक पतंग कट के अपने आप इनके पास आके गिर गई। तो फिर इनकी बहन थी वो इतनी चकित रह गई और बोलती कि ये तो तूने चमत्कार कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि ना एक और पतंग को ऐसे ही काट के दिखा अपनी शक्तियों से, तब मैं मान जाऊंगी कि तुम जादूगर हो। तो फिर जो इन्होंने दोबारा से ऐसे आंखें बंद करी और फिर से एक पतंग अपने आप इनके पास आके गिर गई। तो मतलब इनका ये फर्स्ट टाइम था, तब इनकी फैमिली को पता चला कि हाँ इनके अंदर कुछ अलग जादुई शक्तियां हैं जो सामान्य लोगों में नहीं होती। फिर एक बार क्या हुआ, इनका दूसरा वाक्य ऐसा मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे इनके भाई थे, इनके बड़े भाई, उन्होंने योगानंद जी को बोला कि भाई तू ये सब कुछ छोड़ दे, ये सब सही नहीं है, संन्यास लेना, साधु बन जाना, लोगों को ध्यान सिखा रहा है, ये सब कुछ सही नहीं है, तू नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ जी और अच्छे से रह घर में, तेरे पास किसी चीज की कमी है नहीं, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर ये बोलते कि नहीं, मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं लोगों को ध्यान सिखाऊं, तो ये तो मैं करूंगा ही, ये अपनी बात पे अड़िग रहे। तो फिर उन्होंने ना इनके आगे एक शर्त रखी कि ना तुम ना वृंदावन जाके आओ और मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, और तुम्हें वहां जाके घूम के वापस आना है। तो अगर तुम वहां से वापस आ जाते हो बिना पैसों के, बिना खाने पीने के, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में एक आध्यात्मिक गुरु हो और फिर मैं भी तुमसे दीक्षा ले लूंगा। तो फिर ये चले जाते हैं उधर। उधर तब ये मतलब उनके भाई ने इनको ना जाने जाने की टिकट करवा के दे दी ट्रेन की, कि भाई अब तुम जाओ, इसके बाद ना मैं तुम्हें कुछ खाने का दे रहा, ना मैं तुम्हें पैसे दे रहा, ना वहां पे तुम्हारे लिए घूमने का कोई साधन है, तो अगर तुम वहां से वापस आ गए ना तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में गुरु हो। तो योगानंद जी निकल पड़े अपने एक दोस्त के साथ। तो वो तब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तब उनके पास दो अलग यात्री आके बैठ जाते हैं। वो आके कहते हैं कि आप वृंदावन जा रहे हो ना, हमें पता है कि आप कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो। तो फिर ये कहते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं जो यात्री मिले थे कि हम ना यहाँ पे किसी अतिथि को लेने आए थे और वो हमें मिले नहीं, तो क्या आप हमारे साथ वहां पे चल सकते हो। तो फिर योगानंद जी मान जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ चलो मैं आपके साथ चल पड़ता हूँ। तो योगानंद जी और उनके दोस्त उनके साथ चले जाते हैं। वहां पे जाके उनको एक साध्वी मिलती है जो उनको इतना अच्छा भोजन करवाती है, जैसा भोजन उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया था। योगानंद जी ने ये लाइन लिखी हुई है अपनी बुक में कि ऐसा राजसी भोजन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया जैसा मुझे वहां खाने को मिला। तो देखो ऑटोमेटिकली भगवान की उससे उनकी भूख ही तो खत्म होगी कि हाँ भाई जो उनको खाने का मिलना था उनको मिल गया। तो फिर उनके दोस्त जितेंद्रा नाम था उनका, वो कहते हैं योगानंद जी को कि अब क्या करें, अब घूमेंगे कैसे, अब तो हम यहाँ तक तो पहुंच गए। फिर योगानंद जी कहते हैं कि हम ईश्वर की कृपा से आए हैं, तो हमें अपने आप ही कोई मार्ग मिल जाएगा। तो फिर वहां पे जाके वो रुकते हैं, तो वहां पे एक बग्घी आती है, जो बग्घी में वो भैया बैठते हैं, वो बोलते हैं उनको कि भाई मुझे ना रात को कृष्ण भगवान सपने में आए, उन्होंने बोला था मुझे कि दो यात्री आएंगे और उनको आपने पूरा वृंदावन घुमाना है। तो अपने आप ही उनको घुमाने का साधन भी मिल गया। तो फिर इससे क्या होता है, ये पता चलता है कि हाँ उनके अंदर मतलब एक परम शक्तियां थी जो उनको पहले से ही आभास था कि हाँ मैं वहां जाके आराम से आ सकता हूँ वापस। उन्होंने जितना भी जीवन में कुछ भी उन्होंने छोटा सा छोटा कार्य किया, तो उनका ये था कि उनको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता था।
और जो भी हम आजकल कहीं से भी हम सुनते हैं, हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, हम उनमें लिखा रहता है कि हाँ आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो कितना जरूरी होता है, सब कुछ ये कि संपूर्ण विकास उसी को बोलते हैं, तब आध्यात्मिक विकास हो शारीरिक और मानसिक के साथ। तो ये सारी बातें योगानंद जी ने ही सबसे पहले अपनी बुक में बताई थी, और यही सबसे बड़े गुरु थे योग के और ज्ञान के। तो फिर इस बुक में उन्होंने एक और चीज लिखी हुई है, अपनी स्पेसिफिक लाइन मैं आपको बताना चाहूंगी उनकी। उन्होंने एक बोला है कि इस जहां में जो भी कुछ आता है ना वो किसी मकसद से ही आता है, जो भी कुछ हमारे साथ होता है वो किसी मकसद से होता है, और उस मकसद का भी कोई समय होता है कि तब वो मकसद पूरा होएगा हमारा। तो मैंने इसमें से यही सीखा है कि हम तभी भी कुछ कभी फेल हो जाते हैं, कोई हमें लगता है कि हमारे कार्य पूरे नहीं हो रहे, और हम कोई टेस्ट देते हैं नहीं क्लियर होता, तो हमें यही उम्मीद लगा के रखनी चाहिए कि हाँ हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम किसी मकसद से हैं, तो उसका समय जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ हम दुनिया की तरह भाग दौड़ में चल रहे हैं और हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो इसलिए अभी अभी मैंने ये बुक पढ़ी है, तो अभी थोड़ा इसको और जानना है। तो थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा होगा सुन के। थैंक यू मैम। सरिता मैडम आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद रितु, आपने तो बहुत थोड़े समय में बहुत बड़ी कहानी सुना दी, मतलब पूरा ही जीवन परिचय दे दिया और बहुत सारी बातें बताई। हम इन ब्रीफ में बाद में करेंगे, उससे पहले मैं पूजा शौरण जी को लेती हूँ, वो भी आज हमें बताएंगे वी आर दी प्लेसबो। भी हम प्लेसबो हैं, अपनी संकल्प शक्ति से अपनी बुद्धि से कैसे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो वो आज पूरे अच्छे से मेरे से ज्यादा वर्णन पूजा जी करेंगी। पूजा शौरण आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज अपना सुनाइए। थैंक यू मैम। तो सारा ना मेरी राम राम। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ये पुस्तक लिखी है। तो ये शुरू करने से पहले मैं इस पुस्तक को पढ़ने का अपना अनुभव साझा करना चाहूंगी। मैंने 3 साल पहला जब मैं फर्स्ट ईयर में थी इस पुस्तक के बारे में सुना था, तो संगीता नेहरा मैम ने बताई थी कि हाँ यह पुस्तक है। जिस दिन मैंने इसका नाम सुना उस दिन मेरे दिल में आई कि हाँ मैंने अब पुस्तक पढ़नी है, पर किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ पाई। पर उसके बाद ही कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले, किसी ग्रुप में इस पुस्तक की PDF आई, तो वो देख के मेरे मन में वापिस वह चीज याद आई कि हाँ मैंने यह बुक पढ़नी थी, इबिस की PDF आ गई, मैंने PDF डाउनलोड कर ली। वो बुक पढ़ने के बाद मैंने ये सोची थी कि मैं सिर्फ बुक पढ़ूंगी नहीं, इसका हर एक अक्षर अपने जीवन में उतारूंगी और मैं महसूस करके देखूंगी कि यह सच में है कि जो इसमें लिखा गया है कि वो सच में महसूस हो है, और जब मन ने इसमें असलियत लगेगी तो ये मैं किसी और नवा चीज बताऊंगी। अगर मन ने लग गया कि हाँ यह बुक पढ़ने के फायदे हैं और इसमें असलियत है तो ये मैं गया चीज किसी ने बताऊंगी, तो मैं आपसे मैंने बताने लग रही हूँ इसका मतलब जो मन पढ़ा वो सच में असलियत है। तो इस बुक ने पढ़ के बहुत अच्छे अनुभव हुए, मैंने काफी सारी सकारात्मक चीज मेरे जीवन में होनी शुरू होगी। हालांकि मैंने इस बुक के सिर्फ 30-35 पेज पढ़े हैं, पर इतने पेजा के अंदर भी मैंने काफी सारी नई नई बात जानने मिली। तो सबसे पहला मैं इस बुक के जो लेखक हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी आपने। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है वो एक इंटरनेशनल लेक्चरर है, रिसर्चर, कॉरपोरेटर कंसल्टेंट, ऑथर, एजुकेटर, ना जाने कितनी उपाधियां हैं उनके नाम। वो कम से कम अभी तक 33 कंट्रीज में उन्हें इन्वाइट किया जा चुका है स्टेज पे बोलने के लिए। और उनका जो समझाने का तरीका है ना, मैंने उनकी काफी सारी स्पीचेस सुनी है, वो इतना ईजी है ना, मतलब इतना आसान, वो इतने आसान और सरल तरीके से अपनी बात बोल देते हैं लोगों को। उन्होंने हजारों लोगों को समझाया कि अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल किस तरह से हम सही दिशा में करें, और सही दिशा में करके हम कैसे सकारात्मक चीजें अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। और उनकी ये जो जितनी भी उन्होंने जो स्पीच दी है, इससे काफी सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है। तो उन्होंने न्यूरोसाइंस एपिजेनेटिक्स और क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च कर अपना योगदान दिया है। तो हर इंसान की जिंदगी में ना, अब हम कहते हैं ना, हमें उठने के लिए एक घंटी की जरूरत होती है, कई बार हम सोए हुए हैं सब, पर कभी ना कभी हमें एक ट्रिगर पॉइंट या एक कॉल या एक घंटी की जरूरत होती है कि हम नींद से जाग जाएं, जागृत हो जाएं, जागृत अवस्था में आ जाएं।
तो उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो एक डॉक्टर थे और उससे वो इस चीज में आ गए, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में या लोगों को रिसर्च की फील्ड में या लोगों को क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताना, तो ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में? तो ये बात है सन 1986 की, कैलिफोर्निया में एक सामान्य दिन था। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो थे उन्होंने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जिसमें स्विमिंग यानी तैराकी का जो भाग था वो अपना कवर करने के बाद अब उनका साइकिलिंग जो रेस वाला हिस्सा था वो चल रहा था। तो साइकिलिंग रेस चलते वक्त सब प्रतिभागी उस रेस में शामिल थे। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी अपनी साइकिल से जा रहे थे तो उनका पूरा ध्यान बिल्कुल रेस पर केंद्रित था। अचानक एक मोड़ आता है जहां उन्हें मुड़ना था, तो उस मोड़ पर जैसे ही डॉक्टर जो डिस्पेंजा मुड़े सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर होते ही डॉक्टर जो डिस्पेंजा का शरीर हवा में उछल के नीचे आ गिरा और जब उन्हें होश आया वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी 6 रीढ़ की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी हैं। अब हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें होश में आने के बाद काफी दर्द महसूस हो रहा था शरीर में, उन्हें अपने नीचे के पैर तो महसूस ही नहीं हो रहे थे अपने शरीर का नीचे का हिस्सा। तो फिर उनके आगे जो सर्जन या जो वहां के जो चिकित्सक थे उन्होंने बताया कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, आपकी सर्जरी करके जो टूटे हुए जो आपके टुकड़े हैं वो हमें आपको निकालने पड़ेंगे आपके शरीर से और वहां रोल डालनी पड़ेगी स्टील की। अब इसका मतलब साफ साफ था कि अगर रोल डालनी पड़ेगी और 6 हड्डियां टूट चुकी हैं इसका मतलब चलने के जो चांसेस हैं वो तो ना के बराबर है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने के मन में आया कि मुझे ये सर्जरी नहीं करवानी, पर अगर वो सर्जरी नहीं करवाते हैं तो इससे उन्हें पैरालिसिस आ सकता है। तो फैसला बड़ा कठिन था, डॉक्टर जो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं करवाऊं या ना करवाऊं, और वहां के जितने भी बड़े बड़े जो इस चीज के विशेषज्ञ थे उन सब ने यही सुझाव दिया था कि आज तक एक भी ऐसा पेशेंट नहीं बच पाया है जिसने सर्जरी बिना करवाए वो सर्वाइव कर सका हो, तो आपको सर्जरी करवा ही लेनी चाहिए। पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, उसी क्षण उनके दिमाग में ये आया कि कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो हमारे शरीर को संचारित कर रही है, जो इसे ठीक कर रही है, जो इसे सपोर्ट कर रही है, कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो सिर्फ 2 सेल्स से स्टार्ट करके इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रही है, इतनी सारी उसके अंदर एक साथ केमिकल रिएक्शन, हमारा पाचन तंत्र भी, हमारा सांस लेने का तंत्र भी, सब कुछ एक साथ चल रहा है, इसके पीछे कोई तो ऐसी शक्ति होगी, तो क्यों ना मैं उस शक्ति पे विश्वास करके देखूं और बाहर वाले वातावरण से ध्यान हटा के उस शक्ति पे अपनी ऊर्जा लगाऊं और मैं खुद को ठीक करूं। तो ये सब सोचते हुए डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने सर्जरी करवाने को साफ साफ मना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने खुद को ठीक करने का ये जो प्रोसेस है ये शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया कि वो रोजाना बैठते, वो ध्यान केंद्रित करते, वो सोचते कि मेरी रीढ़ की हड्डियां अपने आप जुड़ रही हैं, ऐसा वो अपने दिमाग में सोचते, एक एक करके मेरी हड्डियां जो है टुकड़े जो आपस में जुड़ रहे हैं और मेरी हड्डियां एकदम सही होती जा रही हैं, ऐसा उन्होंने करना शुरू किया। तो शुरुआत में क्या था कि उनका ध्यान नहीं लगता, हमारे साथ भी कई बार होता है जब स्टार्टिंग में हमने मेडिटेशन करनी शुरू की तो ध्यान नहीं लगता था, हर एक मिनट में भटकता रहता था, पर अब प्रैक्टिस के बाद लगने लग गया। तो यही चीज उनके साथ भी हुई, जब शुरू में ध्यान लगाते कभी कहीं ध्यान चला जाता कभी कहीं ध्यान नहीं लगता, पर एक टाइम के बाद उनका ध्यान लगना शुरू हो गया। अब वो बेड पे तो थे ही पूरा दिन और कोई काम भी नहीं कर सकते थे, तो वो दिन के अपना अधिकतर समय इसी चीज में बिताते, वो सोचते कि मेरी एक एक करके हड्डियां जुड़ रही हैं और इसी चीज पे वो ध्यान लगाते। तो क्या हुआ कि 9 हफ्ते के बाद डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने पैरों पर थे केवल अपनी दिमाग की शक्ति से। ध्यान दीजिए, उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई ना उन्होंने कोई मेडिसिन ली, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति के बलबूते पर वो पूरी तरीके से अपनी हड्डियां जोड़ चुके थे और वो अपने पैरों पर थे। और उन्होंने इस वाक्य में ये भी बताया कि तब से लेकर अब तक 30 साल हो चुके हैं इस एक्सीडेंट को, उन्हें कोई दर्द तक नहीं हुआ है कमर में कभी। तो देखिए, ये एक जीता जागता सबूत है कि दिमाग की शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती। तो इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने डिस्कवर किया कि आई वॉज द प्लेसिबो, मैं ही प्लेसिबो हूं। और इसी चीज को लेकर उन्होंने दूसरे लोगों को प्रेरित करने के लिए, हम जैसे आप जैसे लोगों को समझाने के लिए बुक लिखी, यू आर द प्लेसिबो। तो अब यू आर द प्लेसिबो बुक है, इसमें सबसे पहले प्लेसिबो शब्द जो है उसका हम मतलब जानेंगे कि प्लेसिबो शब्द आखिर है क्या और प्लेसिबो शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने क्या समझाने के लिए हमें किया है। तो
प्लेसिबो इफेक्ट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हमारे दिमाग के जो विचार हैं ये इसी बात पे बेस्ड है कि हमारे जो दिमाग के विचार हैं वो हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, उनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है और हमारा जो पूरा शरीर है वो केवल हम दिमाग से संचारित कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ समझाने के लिए। एक बार वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, एक हॉस्पिटल में जो ये सुन करने वाली दवाई होती है जिसे मॉर्फिन कहते हैं वो खत्म हो गई। अब घायल सैनिक आ रहे थे, उनका इलाज करना भी जरूरी था, पर बिना सुन के सोचिए ऑपरेशन या अगर उनको कोई घाव है या गोली लगी है वो सब कैसे संभव है, नहीं किया जा सकता ना। मॉर्फिन खत्म हो चुकी थी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर काफी चिंतित थे। तो जो नर्स थी वहां पे, उन्होंने सुझाव दिया कि हम क्या करते हैं, हम नमक के पानी का जो सलाइन वाटर है उसके इंजेक्शन लगा देते हैं हम पेशेंट्स को, पर हम उनको नहीं बताएंगे कि ये इस पानी के इंजेक्शन है, उनके लिए वो सुन का इंजेक्शन ही होगा। तो उन्होंने वो चीज की, उन्होंने सुन का इंजेक्शन लगा के ट्राई किया ऑपरेशन या सर्जरी जो भी ट्रीटमेंट था, टाके लगाना कुछ भी, और आश्चर्यजनक तरीके से किसी भी पेशेंट को जिन्होंने वो इंजेक्शन लगवा के इलाज करवाया था दर्द महसूस नहीं हुआ, उन्होंने अच्छी तरीके से इलाज या अपनी सर्जरी करवा ली। तो ये दिमाग की ही क्षमता है। तो यही है प्लेसिबो, इसका मतलब आपको किसी भी सर्जरी मेडिसिन या पिल की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है आप उसे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। एक इंसानी दिमाग की शक्ति का कोई भी लिमिट नहीं है, अब इसकी कोई सीमा है ही नहीं, असीमित है जो हमारे दिमाग की जो क्षमता है। तो यू आर द प्लेसिबो बुक में इस प्लेसिबो इफेक्ट को ही डिस्क्राइब करके बताया गया है, इसके से रिलेटेड बहुत सारे आपको उदाहरण दिए गए हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट किस तरह से काम करता है। और ऐसा नहीं है कि ये उदाहरण ऐसे ही कहीं से बना लिए गए हैं, इन ये प्रॉपर रिसर्च करके किए गए हैं सारे उदाहरण। प्लेसिबो बुक में न्यूरोसाइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, हिप्नोसिस और क्वांटम फिजिक्स में की हुई रिसर्च वर्क को कंबाइन किया गया है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके अलग अलग साइंटिस्ट ने कंबाइन होकर जो काम किया है वो सब इस बुक में बताया गया है। तो जैसे कि दिमागी क्षमता से हम समझते हैं कि बिना दवाई या सर्जरी के हम ठीक कर सकते हैं या कोई भी सकारात्मक बदलाव हम हमारी जिंदगी में ला सकते हैं, तो यही जो दिमागी क्षमता है ये नकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। पर ये सब निर्भर किस पे करता है कि हम हमारे दिमाग में विचार कैसे ला रहे हैं। जैसे इसी पुस्तक में एक उदाहरण है, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी को कैंसर बोल दिया गया कि आपको तो कैंसर है, ये ऐसा उसे बोल दिया गया। तो क्या हुआ कि ये सुन के और उस व्यक्ति की कुछ दिनों बाद डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जब उसके शरीर को जांचा गया, जो जिसे हम ऑटोप्सी कहते हैं, शरीर के बाद जो उसका डिसेक्शन वगैरह किया गया, तो पता चला उसे तो कैंसर ही नहीं था। तो इस चीज में हुआ क्या, उसे बताया गया कि उसे कैंसर है, उसके दिमाग ने यह बात सच मान के शरीर में उसी प्रकार के बदलाव करने शुरू कर दिए और उसकी जो उसकी मृत्यु का कारण बने। मृत्यु का कारण कैंसर नहीं था, मृत्यु का कारण दिमाग था। तो ये जो सारे चीजें हैं, ये जो इतनी बड़ी रिसर्च वर्क जो किए गए हैं इतने सालों तक, ये जो सारे उदाहरण दिए गए हैं, इन सब का एक ही मतलब है कि हम हमारे दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं, पर वो कुछ सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। वो निर्भर किस पे करता है, हमारे विचारों पर। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को संभाल के सोचें, विचारें कि हम क्या सोच रहे हैं दिन में, उस पर हमारा पूरा काबू रहे। दिमाग आपको काबू ना करे, आप दिमाग पे काबू रखें, बहुत जरूरी है। जो आपका दिमाग है वो सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली चीज है आपके पास, अब सबसे शक्तिशाली हथियार। अब शक्तिशाली हथियार आपका विनाश भी कर सकता है और आपको विजय भी दिलवा सकता है, पर इसमें फर्क क्या है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो असल जिंदगी में कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए, एक बार बैठ के सोचिए आपके सारा दिन के विचार कैसे होते हैं, किस तरह के विचार होते हैं। क्या वो इस तरह के विचार है कि आज मैंने दिन में क्या किया, जैसे सुबह से शुरू करते हैं तो अरे आज मुझे ये करना है, जैसे कोई हाउसवाइफ है तो अरे आज मुझे ये फलानी सब्जी बनानी है, बच्चे को वहां छोड़ के आना है, ये वाला करना है, ये करना है, ये पूजा करनी है, वहां जाना है, ये वो। ऑफिस में जाने वाला बंदा, आज मुझे ये काम पूरा करना है, इस टाइम मुझे ऑफिस में जाना है, या मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, इस तरह के विचार। या फिर कोई
भूतकाल में पास्ट में हुई चीज हम सोचते हैं, अरे उसने कल मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा बोल दिया, ये हो गया वो हो गया, या फ्यूचर में आने वाली, अरे 2 दिन बाद तो पलायन धमकाने जगह कोई शादी है या पार्टी, मुझे वहां जाना है, मैं क्या पहन के जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, इस तरह की चीजें, रूटीन लाइफ की चीजें। तो आप देखेंगे कि आपके जो विचार हैं वो ज्यादातर या तो भूतकाल के होते हैं या आने वाले समय यानी भविष्य काल के। जो अभी टाइम है, प्रेजेंट जो समय है, उसको लेकर आप बहुत कम सोचते हैं। बीती हुई 1 सेकंड भी पास्ट ही हुआ कि मैं 1 सेकंड पहले क्या कर रही थी या मैं आने वाले 1 मिनट में क्या करूंगी, वो भी फ्यूचर ही हुआ। पर हम प्रेजेंट में कितना कम जीते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कुछ खा रहे हैं और आप खाते खाते आपके दिमाग में चल रहा है कुछ और, अरे मुझे ना ये खा के बर्तन साफ करने जाना है या मुझे ये खा के फलाना काम करने जाना है। अब हम ये खा के हमें वो करने नेटवर्क की समस्या है सर। पूजा जी आपका आवाज आया है, अब आ रही है आवाज? हाँ भी आ रही थी। हाँ तो मैं आपको यही बता रही थी, आप जब ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हमारे ज्यादातर विचार या तो पास्ट से या भूतकाल से जुड़े होते हैं या भविष्य काल में। जो बीत गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते और जो आने वाला है उसको उसी समय पर देखेंगे। तो हम प्रेजेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते, अभी जो हम कर रहे हैं उसको क्यों नहीं हम अपनी पूरी 100% ऊर्जा लगा के करें, क्यों ना जो हम अभी कर रहे हैं उसी पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके करें। तो एक एक मिनट, जिस मिनट हम जो कर रहे हैं उसी मिनट में जीना हम क्यों नहीं सीख रहे। ये बहुत मुश्किल चीज है क्योंकि इतने सालों से हमारा दिमाग किसी तरीके से है, या तो हम कोई बीती हुई बातों को सोचते हैं या हम ये सोचते हैं इसके बाद क्या करना पड़ेगा, चिंता करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। देखिए चिंता यानी स्ट्रेस, इन चीजों की हमें चिंता होती है कि किसी ने मुझे बोला पास्ट में क्या हुआ फ्यूचर में, ये हम चिंता ही करते हैं। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे तो उसे हम इंजॉय करेंगे, जब हम कुछ भी कर रहे हो, बेशक हम पढ़ रहे हो, हम कोई काम कर रहे हो, जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो मैं इंजॉय कर रही हूँ कि आप सब सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना इंजॉय करना हुआ, और आगे की या पीछे की सोच के हम स्ट्रेस में रहेंगे। अब देखिए हर जो जीव जंतु या जो इंसान है उसके शरीर को स्ट्रेस के लिए तैयार किया गया होता है। जैसे कोई भी मान लीजिए स्ट्रेस की कंडीशन आती है, हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, मान लीजिए कोई हमें मारता है तो हम एकदम से ऐसे कर देते हैं, हम उसे वापस मारते हैं, इन दोनों में से ही कुछ करेंगे। पर ये जो है ये थोड़े इतना होता है कि हाँ दिन में 1 या 2 चीजों का स्ट्रेस आया तो हमारे शरीर ने उसे झेल लिया। पर अब सारा दिन ही स्ट्रेस में रहेंगे, नौकरी का भी स्ट्रेस, बिजली का बिल भरना है इसका भी स्ट्रेस, मुझे बच्चों की फीस भरनी इसका भी स्ट्रेस, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया इसका भी स्ट्रेस, घर में मेरी लड़ाई हो गई इसका भी स्ट्रेस। तो अगर आप इतनी सारी चीजों के स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका शरीर कैसे उस चीज को झेल पाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई देश है जिसकी 3-4 देशों से लड़ाई चल रही है, अब वो देश अपना सारा पैसा किस में लगा रहा है, उन देशों से लड़ने में ना, बाकी देशों से लड़ने में, हथियार वगैरह खरीदने में। तो उस देश के जो स्कूल है उनके पास पैसा नहीं जा पाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, जो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट के लिए भी पैसा नहीं बचेगा, और जो बाकी चीजें हैं जो वहाँ के लोग हैं जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए जो पेंशन वगैरह है ना, उसका पैसा बचेगा। तो इस उदाहरण से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमारे शरीर अगर अपनी 100% क्षमता, आप जो स्ट्रेस सारा दिन ले रहे हैं उससे आपको बचाव में लगा देगा, तो आपके शरीर की जो बाकी चीजें हैं जैसे कि आपके शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट करना, जितने भी आपके अंदर ये जो प्रोसेस चल रहे हैं जैसे आपका पाचन वगैरह होना या जो आपके शरीर में कोई घाव लग जाता है उसको ठीक करना, किसी बीमारी से लड़ना, ये चीजें कब करेगा, इन चीजों के लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं अगर आप सारी एनर्जी स्ट्रेस में लगा देंगे तो। पर स्ट्रेस है किस चीज का, अगर हम बैठ के देखें तो प्रेजेंट मोमेंट में हम खुश हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हम आराम से अपने घर पे बैठे हैं, हम अपनी चाय पी रहे हैं, पर हम किसी भविष्य में आने वाली चीज का स्ट्रेस लेके बैठे हैं। तो ये सब हमारा दिमाग ही जो हमारे साथ ट्रिक्स कर रहा है, क्योंकि मैं काफी आगे चली गई शायद बताते बताते, तो क्योंकि ये चीज मैंने खुद महसूस की है कि हम जिस टाइम पे जहाँ होते हैं अगर हम उस चीज को देखें तो हम खुश हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं, पर हम ढूंढ के लाते हैं क्योंकि हमें आदत हो गई है उस चीज की कि कुछ सोच के परेशान होना या कुछ बीता हुआ या कुछ आने वाला, पर उस बात का कोई भी मतलब नहीं है। ये बुक पढ़ के मैंने ये चीज जानी है। तो आप देखेंगे कि
कि आप डेली क्या करते हैं, उन्हीं सेम लोगों से मिलते हैं, अब बदलाव कैसे लाया जाए जिंदगी में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने सिर्फ आपको समस्या बता दी कि आपके पास समस्या ये है, इसका हल भी बताऊंगी। तो अब देखिए कि आप बदलाव कैसे लाए। अब आप रोज रोज क्या कर रहे हैं, एक ही तरह के विचार सोच रहे हैं आप, एक ही तरह का आपका जो डेली जो आपका रूटीन है, जो आपका नियम है वही है। जैसे आप कुछ भी करें, आप सुबह उठे, आपने ब्रश की, खाना किया, अपना तैयार हुए, अपने काम पर चले गए, वहां पे काम वाम किया, शाम को वापिस आए, खाना खाया, मतलब सबका एक सा है रूटीन। कभी कभी कुछ ना कुछ चेंज होता है, पर रोज का जो हमारा रूटीन है वो सेम है कि नहीं। हम लगभग उन्हीं लोगों से मिलते हैं, वही अपने घर परिवार के लोग, वही ऑफिस के लोग, वही दो चार फ्रेंड्स, किसी नए लोगों से नहीं मिल रहे, वही अपनी जो जॉब है या जो अपना काम है, जो अपनी पढ़ाई वढ़ाई वही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। तो और आप जिंदगी से क्या उम्मीद करते हैं यार, कुछ नया नहीं हो रहा जिंदगी में, वही बोरिंग जिंदगी चल रही है। आप नया कर क्या रहे हैं जो आपकी जिंदगी में नया होगा, आप वही 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 चीज दोहराए जा रहे हैं, आप सेम चीजें कर रहे हैं रोज रोज, दिमाग में आप एक ही पैटर्न बनाए जा रहे हैं, एक ना सीधी सीधी सड़क कि हाँ यही मुझे करना है, रोज सुबह मुझे उठना है मशीन की तरह, मुझे ऐसे 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 ये करते जाना है, इन्हीं लोगों से मुझे मिलना है, यही मेरा काम है, मैं कमा रहा हूँ पैसे, ठीक है, मशीन की तरह चले जा रहे हैं आप। अब नया क्या कर रहे हैं जिंदगी में, क्या नया सीख रहे हैं, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो पैटर्न आपने जो नियम बना रखा है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए क्या, आपको जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा। किस तरीके से, कुछ नया सीखिए, कुछ नया करना शुरू कीजिए। उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी सीख सकते हैं, किसी दिन रोज जो खाना बनाते हैं वो बनाने की बजाय कुछ ऐसा बनाइए जो आपने आज तक बनाया नहीं। जैसे जो हाउसवाइफ हैं उनको मैं कहती हूँ कि जैसे आप डेली बनाते हैं, किसी दिन इटालियन फूड ट्राई कीजिए, कुछ और बना के देखिए, कुछ अलग चीज करिए। आप डेली अपनी जॉब पे जाते हैं, जो आपके पास टाइम तो बचता है, किसी दिन उस टाइम में कोई नई बुक पढ़ना शुरू कीजिए, आप डांस सीखना शुरू कर दीजिए यूट्यूब से, या आप संगीत सीखना शुरू कर दीजिए, कितनी चीजें हैं सीखने को। किसी दिन बैठ के कुछ ड्रॉ करके देखिए, आपकी बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगे और आपको कितना अच्छा लगेगा। सिर्फ एक उदाहरण है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रोज रोज जो सेम चीजें दोहरा रहे हैं उनको बंद करके कुछ नया करना शुरू कीजिए जीवन में, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो। क्योंकि कुछ नया बनने के लिए दुनिया से आप चाहते हैं कि, अब ये हर कोई चाहता है कि हम लीक सब लोगों से ना हम हटके रहें, हर कोई ये तो चाहता है कि हम भीड़ का हिस्सा ना हो, हम हटके रहें, हमारी खुद की कोई पहचान हो। पर आप भेड़ चाल ही चल रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कि आपका पड़ोसी कोई आपसे दो रैंक छोटी जॉब पर, आप दो रैंक बड़ी जॉब पे, तो आपने कुछ अलग कर लिया, कर तो आप भी वो मशीनी जिंदगी जी रहे हैं ना। इसमें बदलाव क्या है कि आप जो बाकी दुनिया जो कर रही है उसे आप अलग क्या कर रहे हैं। बैठिए किसी दिन 20 मिनट निकालिए, सोचिए आपके क्या विचार, अपने विचारों को देखिए पूरा दिन के, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या विचार हैं आपके, आप क्या विचार सोचते हैं, उनका आपके शरीर पर और जो आपका मन है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब मैं आज का ही आपको उदाहरण देती हूँ। अभी लगभग 2 या 3 घंटे पहले आज मुझे घर शिफ्ट करना था, तो मैं सुबह 7 बजे से लेकर अभी बस 5 बजे शिफ्टिंग खत्म हुई है, उसके बाद मैं नहाई और मुझे थोड़ा माइग्रेन रहता है तो मुझे माइग्रेन वाला दर्द होने लग गया, तो मैं पानी वानी पी के सो गई, तो मुझे नींद नहीं आई हालांकि, पर मैंने सोते सोते खुद को ये सोचा कि हाँ कि मुझे आज इस टॉपिक के बारे में बोलना है जिसमें बताया कि हम दिमाग की क्षमता से हील कर सकते हैं, तो मुझे माइग्रेन में बुरी बात नहीं है, इसका मतलब है कि मैं पहले देखती हूँ कि हाँ मैं पहले इसको हील करूंगी, फिर मैं उन लोगों के सामने जाऊंगी ये बात बताने। तो मैंने लेटे लेटे खुद को सोचा कि हाँ मेरा दिमाग ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा जा रहा है, और मैं आपके सामने हूँ, मुझे लग रहा है आपको मुझे सिर दर्द है, मैं इतना बोल रही हूँ, नहीं है। तो दिमाग सब कुछ कर सकता है, और भी मैंने अनुभव लिए हैं, जो भी जैसे मैंने सोचा कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये चीज करनी है, और उसको मैंने अपने दिमाग में सोचा या उस चीज को मैंने एज्यूम करना शुरू कर दिया, अनुभव करना शुरू कर दिया, और वो चीज असलियत में हो गई, यही है आपका दिमाग। तो अब आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में ऐसा कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस बुक में बताया गया कि एक प्रोसेस क्या रहेगा। जो चीज आप पाना चाहते हैं आप उसको सोचना शुरू कर दीजिए, आप पहले उसे यहाँ पे पाइए, फिर आप उसे असलियत में पाएंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मुझे कोई
आगे जाके कोई एग्जाम क्लियर करना है, कोई डॉक्टरी का कोई बड़ा एग्जाम मुझे आगे जाके क्लियर करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले सोचना शुरू कर दूंगी अपने दिमाग में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं 10 मिनट बैठूंगी, मैं ऐसे सोचूंगी कि हाँ जैसे मेरा वो पेपर क्लियर हो चुका है, वो क्लियर होने के बाद मुझे कैसी खुशी मिल रही है, मैंने किस तरह से फोन करके अपने मम्मी पापा को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है ये वो, और मैंने अपने दोस्तों कैसे बताया, उनके किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, वो किस तरह से खुश हो रहे हैं, और फिर वहां जाने के बाद मुझे कैसी ड्रेस पहननी है, कहाँ मुझे बैठना है, किस तरह की मेरी जॉब होगी, क्या मेरा एक्सपीरियंस होगा, ये सब बातें रोज 10-10 मिनट करके मैंने सोचनी शुरू कर दी। तो अब जो हमारा दिमाग है ना, वो जो हम सोचते हैं और जो अनुभव करते हैं उसके बीच में ज्यादा फर्क कर नहीं पाता। जो हम सोच रहे हैं उसके लिए वो चीज भी यही होती है कि हम उसे अनुभव ही कर रहे हैं, वो यही मानता है कि वो असलियत में हो ही रहा है। तो आप ऐसी कुछ जो आप चीज पाना चाहते हैं आप उसको डेली डेली अपने दिमाग में सोचिए, रोज 10-10 मिनट 10-10 मिनट 10-10 मिनट, और फिर आप देखिएगा कुछ समय के बाद अगर आपने बिना ध्यान भटकाए उस चीज को सोचा तो वो चीज आपको मिल जाएगी, भले ही वो कोई भी चीज हो। तो जब दिमाग इतनी चीजें अचीव करने में हेल्प कर सकता है, आपको इतना कुछ मिल सकता है, मतलब जो भी आप चाहें, जो भी अलादीन का चिराग मिल गया आपको, जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं दिमाग से, पर फिर भी हम कर क्या रहे हैं, खुद को बीमार कर रहे हैं। आप खुद को ठीक कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। भाई कितना सारा पैसा लगता है आजकल, हर किसी का सेविंग्स बचती नहीं है, हेल्थ में इतना पैसा जाता है, इतना पैसा बचा रहा है आपका सिर्फ आपका दिमाग। आप कहीं भी, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये चीज फॉलो कर सकते हैं, कोई भी, हर कोई इंसान ये चीज फॉलो कर सकता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको अपने दिमाग में बस सोचिए, तो आपकी जो सोच है वो बहुत सोच समझ कर सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। तो बस यही था मेरा आज का विषय, आशा करती हूँ आपको इससे कुछ मदद मिलेगी, और नमस्कार। धन्यवाद पूजा जी, आपने तो बहुत बढ़िया टॉपिक ले रखा था, और कति मजा सा आ गया आपके साथ आपकी बातें सुन सुन कर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सरिता जी, सरिता जी, शायद सरिता जी का नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट मोनिका है ना? आप पूछा। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस 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 यस। ओके, राम राम सभी को। यस मोनिका है ना? यस। मोनिका आपका नहीं, मोनिका आपका नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, आपका आवाज मतलब ब्रेक आ रहा है। ओके, हेलो। यस नबी साहब बिल्कुल अभी आ रहा है आपका आवाज, बट आपका वीडियो स्ट्रक कर रहा है, इस वीडियो बंद करके आप बात कर सकते हैं, नेटवर्क कम है। हेलो, यस मोनिका अभी आ रहे हैं। यस यस, ओके ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? यस यू कैन शेयर योर स्क्रीन। एक मिनट, आपका इनविटेशन दे देगा सरिता दहिया जी, आपका बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देगा सरिता मैडम जी। मोनिका जी से थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ जी जी, जैसा कि मैंने आप, हेलो आवाज आ रही है सर मेरी? यस मैडम आ रहा है, आ रहा है। यस हेलो, यस यस मैडम आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। ठीक है सर, जैसा कि मैंने आप सब तक बताया था कि भी आज मैं स्पीकर्स का, वक्ताओं का पूरा बुके लेकर आई हूँ, और जो इस बुके का तीसरा फूल है वो मोनिका जी है, और जो मोनिका है वो BAMS फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, और जो आयुर्वेदिक कॉलेज, नेशनल कॉलेज ऑफ इसहार में पढ़ रही हैं, और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, बढ़िया काम कर रही हैं, सारी मिलकर एक क्लास में पढ़े हैं, और संगीता मैडम की स्टूडेंट हैं, और संगीता मैडम की स्टूडेंट होगी फिर तो कहना है कि फिर तो हम आपका समझ जाना चाहिए कि स्टूडेंट किसे होंगे जब गुरु इतना महान है। तो
और उन बदाज मोनिका जो है वो हमने आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल विजडम के बारे में बतावेंगी भी क्यों कर खाना पीना चाहिए, क्यों कर रहना चाहिए, हमारा किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हम अपने आप ने स्वस्थ रख सके, बीमारियां तो बच सके, दवाइयां तो बच सके और जीवन खुशहाल जी सके। मोनिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुख्य स्क्रीन पाओ और हमने भी आयुर्वेदिक जानकारी दो। थैंक यू सरिता मैम, आपने जैसे इंट्रोडक्शन दिया इसके बाद तो मेरा आपको ही सुनने का मन कर रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं कुछ खुद का बताऊं। इससे अच्छा इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता कि हम जैसे जो बच्चे हैं वो फूल से हमें जो कोरिलेट किया गया है, जो फूल है वही हमारी पूरी लाइफ का आधार है। जैसे जो फूल होता है वो वैसे ही हमारी लाइफ चलती रहती है, पहले जैसे हमारी स्टेजेस आती है लाइफ की वैसे ही फूल पे ही आधारित होती हैं वो। तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई मैडम, थैंक यू। तो आज जो मैं बुक के बारे में बताना चाहती हूँ आयुर्वेदा लाइफस्टाइल विजडम जो आचार्य शून्य जी ने मैम ने लिखी थी। तो इस बुक के बारे में बताने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं कि जो शून्य मैम है वो बाहर रहती थी और उनको एक बीमारी हुई थी अल्सरेटिव कोलाइटिस, और ऐसी बीमारी के और दो तीन एसोसिएटेड भी उनको जो बीमारियां थी वो एक साथ हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे उनको ना तो आयुर्वेदा का ज्ञान था ना मेडिटेशन का ज्ञान था, और उस ज्ञान के से वंचित होके उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं के करूं और के ना करूं। तो अब जब उनके जो दादाजी हैं वो एक स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में उनके पास आई, जब हमें भी अब जैसे मैं मेरे को भी नहीं पता था कि मेडिटेशन क्या है, ये सब कुछ विज्ञान इसका क्या है, तो जब संगीता मैम भी उसी रूप में मेरी लाइफ में आए थे कि वो हम उस उन्होंने हमें समझाया कि ये ज्ञान कितना जरूरी हमारी लाइफ को ही समझने के लिए। बाकी सब चीजें तो बहुत अलग हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, हमने साइंस पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया, लेकिन आधार जिस चीज का है वो है हमारी जिंदगी। जब हम जिंदगी को समझेंगे तभी तो हम आगे जाके अपने आप को समझने के बाद ही हम दुनिया को समझ सकते हैं, और दुनिया ही हमारे अंदर है वो भी हम मेडिटेशन के थ्रू ही जान सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो मैं आज बताना चाहूंगी आप सबने। तो एक बुक होती है, जब हम बुक लिखते हैं तो एक इंसान जब बुक लिखता है तो वो अपनी एक जर्नी लिखता है, पूरी जितनी भी उसका जो पाथ उसने फॉलो किया वो उस बुक में लिख देता है कि ये मेरी स्टोरी थी, ताकि अब हम इस बुक को पढ़ के जो मुझे समझ में आया ताकि मैं अपने आप को भी उस चीज से उभार सकूं, या फिर अगर मैं भी उसी सेम बीमारी से ग्रसित हूं या नहीं हूं तो फिर भी मैं उसको जान सकूं कि कैसे मैं भी अपने आप को बेहतर बना सकती हूं। तो उस चीज ने समझण थी इस बुक ने, और बहुत सारी बुकों को हमें पढ़ने की जरूरत है आज के टाइम पे। हम जो कर सोशल मीडिया में जुड़े रहे हैं और चीजें न पढ़ने जाए हमारा ध्यान कहीं और भटका रहता है, तो इस स्वाध्याय से ये भी आपके पास अगर टाइम है तो आप ये लाइव में रुको, अगर नहीं तो चलो कोई बात नहीं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आई थिंक संगीता मैडम बात करेगा एंड आप तीनों के बारे में। आपका म्यूट नहीं है। एक्चुअली आज का सेशन शेड्यूल है 8 बजे तक, सो 7:45 तक आपका वो अभी मोनिका शुरू किया, 20-25 मिनट में एंड हो जाएगा, इसके बाद में संगीता नेहरा मैडम बात करेगा, अगर टाइम है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो यू कैन। मैं इनको प्राइवेट बोलती हूँ जरा, भार्गव मोनिका एक मिनट, भार्गव ठीक है ठीक है ठीक है, भार्गव सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली, ही इज ऑन फोन। भार्गव 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 तुम सुन रहे हो? भार्गव यस मैडम, तुम्हारा म्यूट नहीं था बिकॉज होल सेशन इज स्टॉप्ड नाउ, तो एक बार अपना म्यूट करो प्लीज। यस मैडम। तो जब हम इस बुक की बात करते हैं तो जब हमें पता चलता है कि हम एक बुक पढ़ रहे हैं तो हम उस सामने वाले इंसान को आजकल हम जान नहीं रहे हैं कि हमारी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, या दूसरे वाला
क्या समझ रहा है. तो जब हम एक ऑथर की बुक पढ़ते हैं तो उसकी जो जर्नी है उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और वही लाइव है. जब हम दूसरों से सीखते हैं और उनको कुछ सिखाते हैं तो उसी से ही लाइफ बनती है. तो इसमें हेल्थ के बारे में बता रखा है कि हेल्थ विल मैनिफेस्ट वंस यू आर बिगेन टू लाइव इन द अलाइनमेंट ऑफ नेचर इंटेलिजेंस. जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, जैसे अगर हम कुछ भी काम करते हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे हमारी जो सब्जियां होती थी किचन में, जो बनाते थे कुछ खाना भी बनाते थे, तो हमारे पास सब्जियां उपलब्ध होती थी और वो इतनी हेल्दी होती थी कि हम जैसे उगाते भी थे. अभी भी जैसे कुछ गांव में, मैं गांव में रहती हूँ तो यहाँ पे जितने भी घर हैं वहां पे कुछ जगह छोड़ी रहती थी कि यहाँ पे हम सब्जी उगाएंगे, तो उसको देख के इतना अच्छा लगता था. जबकि हमारे घर में ऐसा नहीं है, गांव से हम थोड़ी दूर रहते हैं, तो हम अब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं है हमारे घर में कि हम सब्जियां जो बाजार से लेके आते हैं उनमें इतने केमिकल होते हैं और फिर हमें उनको कहते हैं कि कितने केमिकल वाली सब्जी हम लेकर आए हैं आज और कुकर खाओगे इसने हम, और उन सब्जियां ना देख कर हमको है कि काश हम भी लगा लेते पहला. तो चीजें हम सीखते हैं तभी हम उसको सुधार पाते हैं. तो इसी के लिए जब हमारे जो ये शून्य जी थी, जब ये हिंदुस्तान आई तो उन्होंने अपने दादाजी से सीखा कि कैसे जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो कितना कितना बड़ा है, कितना विकसित हो रखा है. कि आयुर्वेद में जो हम समझते हैं कि मॉडर्न पैथी, जैसे हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने स्वस्थस्य रक्षा, कि आयुर्वेदा का जो सिद्धांत है वो स्वस्थ की रक्षा, मतलब जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसको पहले स्वस्थ रखना है, हमें उसको ठीक रखना है, बाद में हम जो रोगी है या जिसको बीमारी हो रखी है उसको हम ठीक करें. जैसे अब कोरोना काल चल रहा है, सबसे अच्छा यही उदाहरण है. जैसे हरियाणा में भी कितने केस हो गए कोरोना के, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले ईब हम घना ध्यान देने लगे कि इम्यूनिटी बढ़ानी है, लेकिन अगर हम पहले से ही रखते इस चीज को कि हमने इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमने पूरी दिनचर्या का पालन करना है अच्छे से कि सुबह उठना है, दंत मंजन सब कुछ ये बिल्कुल अगर हम उचित प्रकार से करें तो फिर हमने एक रोग होएगा ही नहीं. कोई भी रोग है उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि अगर हमारी शरीर की बनावट इतनी अच्छी हो जावे तो वह रोग हमारे पे आवी होएगा ही नहीं. तो हम रोग भावी होंगे कि हमने यो रोग मेरे अंदर नहीं आना चाहिए. तो ऐसे ही अब आपने देखा होगा कोरोना के केस में, तो एक घर के दो बंदे का तो हो गया कोरोना, दो या का नहीं होया. क्यों नहीं होया? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो जो खाना खा रहे थे और जो इम्यूनिटी का पालन कर रहे थे वो बिल्कुल सही था. हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उस टाइम पे जितना अच्छा फल आहार खाया करते हम उससे वंचित रहने लग रहे हैं. लेकिन हम यो नहीं कह सकते कि हम अगर पिज्जा बर्गर खाओ यार हमने को हम उस वंचित रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं हुई. हमने खुद अपने आप तक यो कहना पड़ेगा कि ना मैंने यो पिज्जा बर्गर नहीं खाना, मैंने जो खाना है जो पका के और अच्छी प्रकार से बना और खाना खाना है. तो वही शून्य जी बोलते हैं कि जब वो हिंदुस्तान आई तब उन्हें यो ज्ञान मिला. क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में आप अभी भी देखो कि इतना कल्चर है कि वो फ्रिज में धरिया और खाना खावे हैं, उसने घने दिन रखे रखे हैं फिर उस खाने ने खावे, तो वो क्यों उनके फायदा देगा. तो अब यहाँ पे लिख रखा है ट्रस्ट इट सम मोर एंड हेल्प इट हील्स इटसेल्फ, कि हमारा जो शरीर है वो खुद में इतनी शक्ति रखे है कि अगर कोई, अब पहले तो हमारे पास था स्वास्थ्य की रक्षा करना कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो हमने स्वस्थ ही रहना है, उसको स्वस्थ रखना कि कैसे कैसे हम जैसे उसने च्यवनप्राश भी देश कहे हैं या कुछ और चीजें दे के आंवला या ऐसी चीजें दे के हम उसने स्वस्थ रखे हैं. दूसरा अगर किसी का रोग हो गया तो उसने हम ठीक भी, अगर एक इंसान चाहे तो वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की, इस किताब में लिख रखा है हर प्रकार की, जैसे कितनी खतरनाक बीमारी हो उसने हम अपने विश्वास से जीत सके हैं. हम अगर अपने आप तो चाहें कि हम, मैं अपने आप पे विश्वास है, मैं ये मान रही हूँ कि मेरे या बीमारी होगी तो, लेकिन मेरा इतना विश्वास है कि मैं अपने आप इसने ठीक कर सकूं, तो उस चीज से हमने डाइवर्ट नहीं होना. हमने ये सोचना है कि दवाई तो काम करने लग रही है लेकिन हमारी जो जो क्षमता है उस चीज ने बढ़ाने की वो और ज्यादा हो जाओगी,
उसके बाद है यहाँ पे कॉन्शियसनेस विद ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग एंड आवर लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल मतलब हमारी जो दिनचर्या है इज फुलफिल्ड विद सम लेवल ऑफ फीलिंग्स जितनी भी है यूनिवर्स में. अब आप कहोगे कि एक छोटा सा वैसे मैंने बहुत बड़ी आ गया है वो मैं एक बात बताना चाहूंगी. जैसे कृष्ण जी थे, कृष्ण जी क्या हुआ था जब यशोदा माँ उनके मुख में देखती हैं तो उनको पूरी संसार नजर आता, उसमें सारा यूनिवर्स उनके अंदर सम्मिलित था. और यही चीज हमें समझनी है आज. हम प्रकृति को दूसरों में देखते हैं, मतलब हमें लगता है कि संसार जैसे हमारी आंखों से हम देखते हैं वो संसार है. खुली आंखों से देखना संसार नहीं है. जब हम आंखें बंद करेंगे तो संसार हमारे अंदर ही है. हम जितना खुद को जानेंगे हमें पता चलेगा कि संसार की सारी चीजें जो संसार में हो रहा है वही हमारे अंदर है. और वही आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि जो संसार में है वही चीजें हमारे साथ होती हैं और वही हमारे अंदर है. तो वो अपने गुरु किसको मानते हैं, अपने दादाजी को. उनसे ही वो सारी चीजें सीखती हैं और उनसे ही वो सीखती हैं कि जो आयुर्वेदा है और जो हमारा स्पिरिचुअल साइंस है, ये जो मेडिटेशन है, ये सब कुछ ये सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म है हमारा लिविंग बॉडीज का, कि हम अपने आप को ही हील कर सकते हैं, अपने आप को ही रिपेयर कर सकते हैं अगर कोई बीमारी हो जाती है तो. उसके बाद यहाँ पे जो जितना भी दिनचर्या के बारे में बता रखा है, फिर इन्होंने एक स्टोरी शेयर कर रखी है. जितने भी क्लिनिकल स्टडीज के बेस पे हुए हैं तो इन्होंने एक डेली रूटीन जो होता है हमारा, दिनचर्या, हमारा खान पान, वो सब के बारे में बता रखा है कि सब चीजों के अंदर एक एनर्जी होती है और हम जैसे अगर जो हम चाहते हैं वैसा ही मैडम. मोनिका का नेटवर्क इशू आ रहा है. Am I audible? Hello? Yes, yes. हाँ, वो सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे. तो इन्होंने एक उदाहरण यहाँ पे पेश किया है जो ब्रिटनी ब्रूट करके एक औरत एक लेडी थी वहां पे. तो वो पिल संगीता जी मैं कंटिन्यू करूं जब तक उनका ज्वाइन होता है. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, अच्छा आ गई हैं, चलिए नो प्रॉब्लम. हाँ जी, ये मैं उदाहरण दे रही थी आपको कि ब्रिटनी ब्रेट करके एक लेडी थी, वो रोज एक पिल खाती थी, एक दवाई खाती थी ताकि वो उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो सके. अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे आप ये समझ रहे, जो छोटी हमारी आंत होती है, बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत में फोड़ा हो जाना, अगर हम साधारण उदाहरण देके समझे उस चीज को. तो उन्होंने क्या, उन्होंने हर मेडिसिन ट्राई की, वो रोज एक एक दवाई खाती थी लेकिन उनको इतने इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. उनको वही पेन रहता था, उतनी इलनेस रहती थी. और आपने ये देखा होगा जैसे एक बीमारी हो जाती है किसी इंसान को, फिर वो क्या हो जाता है उसके किला कि उसने जो दूसरी बीमारी हो जाए, जैसे वो डिप्रेस्ड रहना शुरू कर दे. आजकल ये डिप्रेशन भी बहुत चल रहा है कि हम डिप्रेस रहना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को नहीं समझ पाते और हम उस बीमारी ने अपने ऊपर हावी होन देवे हैं कि हाँ यह बीमारी तो होगी. और फिर मेरा जो दिमाग की क्षमता है कि मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, मन मन में सोचा, लेकिन वह बीमारी हमारे ऊपर इतनी आई हुई हो जाए. जैसे हम कैंसर की बात करें, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जावे हैं. लेकिन जिसको ठीक होना है उसके लिए मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप उसको हावी ना होने दे, अपनी बीमारी पे हावी हो जाए. जैसे शी हील्ड हरसेल्फ थ्रू द आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग. उन्होंने खुद को सिर्फ क्या किया, उन्होंने जो आयुर्वेदा में जो ज्ञान लिख रखा है जिसमें ये बता रखा है कि कैसे हम खान पान से, सबसे पहले तो कि जो जिस वजह से हमें ये बीमारी हुई है, जैसे जो कारण हुए हैं, जैसे जिस
पानी से हुआ है या किसी भी चीज के दूषित होने से और उसको हमने ग्रहण किया, तो उसकी वजह से हमें अगर ये बीमारी हो रखी है तो हम इसको दूर करें कि ये बीमारी हमें ना हो। तो जो ये चीज अगर हम कर लें, फिर अपने जो खान पान है उसको सुधार लें, तो उसी से आधी से ज्यादा बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है उस इंसान की, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो उन्होंने ये 5 चीजें फॉलो की। उन्होंने पहले तो किया वेकअप अर्ली ईच मॉर्निंग एट अ सेट टाइम, हमें एक उचित समय पे उठना चाहिए, जो आयुर्वेदा में है वो ब्रह्म मुहूर्त बता रखा है कि हमें उस समय उठ जाना चाहिए। तो कितना जरूरी है हम सुबह उठेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रकृति होती है वो कितनी शुद्ध होती है। जैसे जैसे स्वच्छ माहौल में, जिस माहौल में हम उठेंगे, जैसे जो एनवायरमेंट होता है, प्रकृति होती है हमारी, वो उस टाइम पे सही होती है, वातावरण बिल्कुल सही होता है अगर हम सुबह सुबह उठते हैं, पक्षी भी और उनकी आवाजें सुनते हैं, तो ऐसी चीजें वो खुद एक मेडिसिन का काम करती है हमारे लिए। फिर उसके बाद होते हैं हैव एन एल्टर इन हर रूम एंड पुट फ्रेश फ्लावर्स ऑन इट एवरी डे। एक वास में उन्होंने सुंदर फूल, जो आज मैडम ने भी बताया कि फूल से कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वो सबसे सुंदर कल्पना है किसी भी चीज की, कि हम एक इंसान को फूल की तरह मानते हैं, तो वो फूल से जो एनर्जी हमारे अंदर आएगी, वो जो एनर्जी वो हमें देंगे वो हमेशा अच्छी होती है। जितने भी हमारी प्रकृति है, जितने भी प्लांट्स और वो हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, वो इतनी अच्छी होती है, इतनी मतलब उनको, अगर हम उदास होते हैं तो उनको वो भी पता चल जाता है, हम गुस्से में होते हैं उनको वो भी पता चल जाता है, तो हम उनसे कुछ छुपा नहीं सकते, जैसे हम अपने आप से कुछ नहीं छुपा सकते मेडिटेशन में। तो इन एवरी मॉर्निंग मेडिटेट ऑन हर हीलिंग फॉर 15 मिनट्स, कि हमें अपनी बीमारी के बारे में सोचना है कि मुझे इससे कैसे लड़ना है, और उसमें ध्यान लगा के, उसमें बिल्कुल अपनी सांसों के साथ जुड़ के उसमें ये समझना है कि ये बीमारी अब हो गई। पहले हमने स्वस्थ रक्षा की बात की थी, अगर फिर दूसरा क्या था, विकार प्रशमन, कि अगर हमें विकार हो जाता है या विकार मतलब कोई बीमारी हो जाती है तो उसे ठीक कैसे करना है, तो उसको 15 मिनट हम मेडिटेशन करें और उस चीज में खुद को जाने कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, हाँ मैं, मेरी जो एक एक सेल है वो इससे फाइट कर सकती है। उसके बाद स्टॉप ईटिंग हार्मफुल फूड। हमें ना हमें एक तो उपवास जितने भी बताए गए हैं, कि जैसे जो नवरात्रे होते हैं वो एक शुद्धिकरण होता है अपने शरीर का। मेरे लिए जो नवरात्रे हैं वो सबसे स्वच्छ माहौल होता है, कि जब हम पूजा पाठ करें, अपने जितने भी सराउंडिंग है वो क्लियर हो जाती है, क्योंकि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो जितना भी एनवायरनमेंट में जो वायरस है सब कुछ क्लीन हो जाता है। हर चीज की एक एनर्जी होती है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड हमें थाली बजाने के लिए बोला था, एक पर्टिकुलर समय पे बोला था, तो हर चीज का एक उचित समय होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने उस समय को क्यों बोला था, कि उस टाइम पे एक साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ऐसे ही हमारे नक्षत्रों से उनको रिलेट करते हैं, तो उस दिन 8 बजे जो समय था, उस टाइम पे जो हमारे नक्षत्र थे वो बहुत उचित दशा में थे, तो उस वजह से जब हम साउंड एनर्जी जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर भी, उस एनर्जी के अंदर भी ये क्षमता है कि वो सारे जो ऑर्गेनिज्म थे जितने भी, जैसे कोरोना वायरस है उसको किल कर देगा, और उसके साथ साथ जो हमारे पास जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो उस साउंड एनर्जी के साथ मिलके मल्टीप्लाई हो गया, उस सारे और वायरस ने खत्म कर दिए अपने जो सराउंडिंग के हैं। और फिर है एक तो रोकना, कि हार्मफुल फूड को नहीं खाना, जैसे दही होगी नहीं खानी, और जितने भी हम फ्रिज में रखते हैं ये चीजें जो हम रख देते हैं कि हम बाद में बचा कर खाओगे, वो कति जहर है। उसके बाद है ईट बेनिफिशियल फूड, जितने भी हमारी जो नेचुरल जो स्पाइसेस हैं उसको हमें खाना चाहिए, उसमें सब्जियों में या फिर किसी भी चीज में पका के बिल्कुल अच्छे से तरह से। और जो घी है, हमारे यहाँ तो टिंडी घी खावे हैं, तो वो टिंडी घी तो मैंने इतना स्वाद लागा जैसे कोई हद नहीं। अरे एक मेरी खुद की रेसिपी है जिसमें मैं क्या करा करूँ, जिसकी वजह से मेरे डांट भी गणी पड़ा है, कि मैं मलाई उतार के दूध के ऊपर की और फिर वो खाया करूँ, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दूं, लेकिन अब मैं चीनी भी नहीं मिलाती हूँ, मैंने इतनी स्वाद लग गया ना, कि जो गाँ का दूध आवा उसकी वो जो मलाई हो है वो खाना, ओहो जमा स्वाद आ जाए। तो ऐसी चीजें जो हमें खुशी देती हैं, मतलब मेरे को इस खा के इतना आनंद मिलता है कि टिंडी घी, आज रोटी अब टिंडी घी है तो बस मैं तो एक रोटी और फालतू खाऊंगी, लेकिन अब मैंने ये भी समझ में आया कि फालतू भी नहीं खाना, खाना तो उचित मात्रा में ही है।
फिर है उनको जो अब जिन लेडी की मैं बात कर रही थी उन्होंने ये बहुत टाइम तक यही जो दिनचर्या इसको पालन किया, यही पांच जो स्टेप बताए मैंने उनको फॉलो किया, तो उनका जो जैसे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में है उनमें जो जो बाथरूम जाती थी तब उनको बाथरूम नहीं आता था, तो लेकिन फिर वो क्लियर होने लग गया, उनको बिल्कुल अच्छे से मोशन होने लग गया ऐसे करके, तो वो बताती हैं कैसे वो सिम्टम फ्री हुई। जो आचार्य शून्य जी हैं उन्होंने ये ज्ञान उनको दिया कि आप मेडिटेशन करें, ऐसा ध्यान करें जिससे आपको समझ में आए कि ये बीमारी कहीं बाहर जाके ठीक नहीं होगी, ये आपके अंदर है तो आपके अंदर से ही ठीक होगी। तो अब हमें उसके बाद एक लास्ट चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि इंडिया में होम है स्पिरिचुअलिटी का, जैसे पीएमसी हरियाणवी चैनल है और भी जितने सारे चैनल हैं, ये अभी जो हमें बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी या फिर ध्यान कितना महत्व है, वही हमारे पूर्वजों ने हमें सिखा रखा है कि जैसे जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं जितने भी, वो हमें सिखाते कि दी नॉलेज ऑफ लाइफ यही है, यहीं से ही शुरुआत हुई है। आयुर्वेदा की भी अगर हम बात करें तो यहीं से हिंदुस्तान से ही इसकी शुरुआत हुई है, और ऐसे ही जो जितने भी महान ऋषि थे जैसे गौतम बुद्ध जी थे और भी जितने भी मुनि थे वो नेचर से कितने जुड़े हुए थे कि हमारी जो प्रकृति है वो ही हम हैं। जैसे जिनको भी ध्यान में आगे बढ़े हैं वो, जैसे गौतम बुद्ध की भी अगर हम बात करते हैं तो उनको भी ध्यान में जुड़े थे, तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के ही उनको ध्यान की प्राप्ति हुई थी, तभी वो एक भगवान के रूप में आज जाने जाते हैं, इंसान ही भगवान है मेरे हिसाब से। तो ऐसे ही आयुर्वेदा बताती है कि आधी चीज तो दवाई करेगी, आधी चीज तो जो हम प्रकृति से हम दवाई बनाएंगे आपके लिए, जो आयुर्वेदा में जितनी भी जो नेचुरल पेड़ पौधे हैं उनसे ही दवाइयां बनती हैं, तो आधा काम तो वो करेगी और आधा काम करेंगे आप खुद। तो यही मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगी कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, विजडम है, वो सब कुछ कनेक्टेड है, और ऐसे ही हमारे अंदर जो चीजें हो रही है वही नेचर में है, तो हम ही नेचर है और नेचर ही हम है। तो थैंक यू, और सॉरी थोड़ा नेटवर्क आज खराब हो गया था। धन्यवाद मोनिका, और सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि नेटवर्क के आपके हाथ में था, ये तो कनेक्शन की कमी है। कोई बात नहीं, ऐसे ही छोटे मोटे इशू होते रहे हैं। बाकी मेरे को लग रहा है कि संगीता मैम कुछ बोलना चाहोगे, मैं उसके बाद बोलूंगी, पहले मैम आप आओ, आपके शब्द सुनेंगे हम। तीनों बाल का नकती चाला पड़ गए, ये मतलब पिछले जन्म में के थे, मेरी तो समझ तो बाहर होगी, और मैं इतनी खुश हूँ, मेरा मतलब मोनिका तो मलाई का वो मलाई खाकर वजन बढ़ा होगी, और मैं मतलब इतनी राजी होकर वजन बढ़ेगा, मेरा तो 2 किलो और बढ़ गया है अभी, इतना बढ़िया आज इन्होंने तीनों ने, रितु ने, पूजा ने और मोनिका ने, ये मतलब ये ऋषि नहीं महर्षि होंगे पिछले जन्मों में, जब जाके ये इव न्यू दिखे हैं कि भाई बालक हैं, बालक तो है नहीं, जो इनकी बातें तो देखो कैसे मतलब कितने, जैसे उस दिन आलोक ने करा ऐसे ही आज मोनिका ने, पूजा ने और रितु ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई है, और हमें अंदर से ये महसूस हो रहा होगा कि हम कौन सी वर्ल्ड में जा रहे हैं, कौन सी दुनिया में जान लग रहे हैं, है ना, मतलब हमारी दुनिया तो मेरे ख्याल से न्यारी होने लग गई, सेपरेट कती है, हम वो सोल फैमिली में रहने लग गए। पहले तो थोड़ा बहुत शुरू शुरू में जब मैं जाया करती इंदौर है तो इन्हें थोड़ा लग गया करता है संगीता मैडम न्यू करे है, पर ईब तो ये मास्टर बन गए, मेरे तो आगे लिखड़े हैं, बहुत खुशी है, मतलब I'm so happy, मुझे मतलब इतनी ऐसे लग रहा है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे बयान करूं, ये बच्चे जैसे डॉक्टर ख्याति उधर, क्वांटम किचन, मोनिका है, ऊर्जा है, ये सब बच्चे मतलब क्या कमाल है, और यही हमें ऐसे ये धरती पे हमें ऐसे ही मास्टर्स की जरूरत है, ऐसी ऋषियों की महर्षियों की जरूरत है। हम तो थोड़े से मतलब इन तो सीखेंगे क्यों, हम थोड़े बूढ़े हो गए, हम मतलब पिछले जमाने के रह गए, तो इब हमने तो एडवांस में जान खातर इन तो सीखनी पड़ेगी भाई नए नए कौन कौन से टेक्नोलॉजी है जो हमें अपनानी है ना। तो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत बड़ी बात है, जैसे अभी बताया कि जो
एक ठीक होने का जो पॉजिटिव नेचर है, ये पॉजिटिव नेचर तो आयुर्वेदा ने 5000 साल पहले बता दिया था, भाई तम जो हो चेतना हो, चेतना है भूल गए हम, मतलब ज्यादातर हमारा दिमाग क्यों कर चल रहा है, हम शरीर है, खीरा खा लो, टमाटर खा लो, न्यू नहीं बेरा भी भीतर तो वजन बढ़ा है, अरे ये बाहर न्यू कहा भाई खीरा बहुत बढ़िया है, अरे खीरा तो अच्छा है पर मेरे सूट करेगा कि नहीं करेगा, असली बात तो यह है मन अंदर तो भूख है कि नहीं है, तो वह चीज आयुर्वेद में तो पहले बता दिया अभी, जैसे इन्होंने आचार्य शून्य ने जो एक्सप्लेन करा इस किताब में, तो ये ऐसी बातें हैं जो हम रोज सुनते हैं और सुनने के बाद फिर हम अभी इसको देखो प्रकृति दर्शन तड़के हम जब नाथ साधना कर रहे हैं तो प्रकृति दर्शन में हमने यो रूल अपना लिया भाई, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो और सारा हमारा परिवार, कितना बढ़िया है, हैं? तो मोनिका थैंक यू, और पूजा, पूजा ने भी कति लट गाड़ दिए, यू आर ए प्लेसिबो, क्योंकि मैंने आज से 7-8 साल पहले पढ़ी थी तो उसका डॉक्टर जो डिस्पेंजर का एक जो लाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, फायर टुगेदर वायर टुगेदर, एक तो उसकी ये लाइन अच्छी लगती है, एक मुझे लगती है कि ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बींग योर सेल्फ, मैंने ये सीखा कति बालका कितनी रोटी खानी चाहिए, हम कदे वो सीधा आते न्यू खावे ना चम्मच तक कुछ पड़ जाओगे तो न्यू कहेंगे देख तरीका भी कौन है तने खान का, पर वो डॉक्टर जो डिस्पेंजर कहते हैं कि भाई अपनी मर्जी तक खाओ, जो तुम जिस खुशी से खाओ वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय कि इन गणे अपने एटिकेट सामने बड़े रहो, तो मन ने की गिरा जब मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजर की किताब पढ़ रही थी और इन बच्चों से मिली थी मैं, तो उस वक्त मैंने ना राइट हैंड के से खाने की बजाय उल्टे हाथ तक खाना शुरू कर दिया, मगर यू भी मैंने यू जीन तोड़ना है कति, यू जीन मैंने रखना ही नहीं, मैं सीधे हाथ तक खाना खाऊंगी, उल्टे हाथ तक खाऊंगी तो कुछ पड़ेगा कुछ सारे, मतलब घर में न्यू कहती रही हो गया तू बावली होगी, मैं कहा हाँ बावली होगी, मैं तो कति बालक बनकर रहूंगी, है तो वो जो चीज है आपके अंदर जो एक हैप्पीनेस है वो आपको खुशी देती है कि हाँ मैं मतलब अपने अंदर से खुशी महसूस होना, तो वो तो आप कैसे ही, आप जीसस क्राइस्ट भी यही बोलते हैं कि आपको जस्ट यू बी लाइक ए चाइल्ड, आपको बच्चे की तरह रहना चाहिए, मतलब बचपन तो हमारे माँ बाप या हमारा समाज या हमारा परिवार न्यू से कहा कति सीरियस हो जा, देख ले पढ़ ले और बस कति बढ़िया नंबर लेने हैं, मतलब और तो कुछ है ही नहीं जीवन में, जुनू और कुछ जीना ही नहीं के हमने, मरेंगे हम है तो जीना है जीना, तो ये पूजा ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करा, और ऑटो बायोग्राफी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ओके ओके पूजा, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ जो परमहंस योगानंद जी की है ये भी मैंने शुरू में मतलब 2011 में पढ़ी थी, और मुझे ऑटोबायोग्राफी में मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी थी कि जैसे वो अपनी बॉडी को अलग अलग कर लेते थे, मतलब वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट जो उन्होंने अपना बताया, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, और पूरी दुनिया के लिए वो बने हैं, और महावतार बाबा का जो आगे जो उन्होंने लिगेसी फैलाई है कि आगे बढ़ के किस तरीके से हमें ध्यानी बनना है, और क्रिया योग दर्शन जो हम तड़के करण लाग रहे हैं ये उन्हीं का है सारा, महावतार बाबा से ट्रांसफर होके लहरी महर्षि जी, और उसके बाद फिर युक्तेश्वर गिरी जी, उसके बाद परमहंस योगानंद जी, और उसके बाद शंकरानंद जी, ये एक ऐसी लिगेसी है जिसमें क्रिया योग, मतलब क्रिया का मतलब भी मैंने जब समझा न्यू आयुर्वेद में नहीं समझ आया क्रिया का क्या मतलब, क्रिया और कर्म में क्या फर्क है, क्रिया है एक बार कर लिया ठीक है, हमने बेरा पाट गया भाई हमने एक बार सांस लेते मेरे विचार कति शून्य हो जाओगे, पर हम करते कौन है, जब करेंगे तो यू हमारा कर्म बन जाओगा, आयुर्वेद में भी वही बता रखा भाई यू थारी इस द्रव्य का के कर्म है, लेकिन यू क्रिया के करह है, कहा तो शुरू हो गया, एक क्रिया होगी जब एक बार मैंने सब्जी बना के देखी, एक बार मैंने केक बना के देखा, पर एक बार बनाए पाचे मेरा कर्म नहीं बना, यो एक बार गलती होगी कोई बात नहीं माफी हो जाओगी, पर ये मैं रोज गलती करूंगी, रोज प्रज्ञा अपराध करूंगी, मैंने बेरा पाट गया भाई यह गलती है, पर फिर भी मैं उसने बार बार करूंगी तो क्या है, यो प्रज्ञा अपराध है, यो प्रज्ञा अपराध है, सारे पापा की जड़ है, सारे रोगों की जड़ है, सारे दुखों की जड़ है,
और तड़के तो इस किताब में के लिख रखा था, न्यू लिख रखा था भाई, और डॉक्टर अमित गोस्वामी भी ये कहते हैं क्वांटम साइंस में कि ये जो थारा शरीर है ना, इट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सटल बॉडीज। आपका यो जो है यो वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब भाई तुम कर्म करण खतरा है, कर्म योगी हो, इसने कर्म कर कर किस तरह ये भी मुक्त हो जाओ इससे, तो यह मुक्ति जरूरी है। अरे यह मुक्ति क्यों करोगी भाई, हम स्वाध्याय में सबकी बात सुने हैं, साजन संगत करे हैं, तड़के ध्यान करे हैं, प्रकृति दर्शन करे हैं, अच्छी अच्छी बात करे हैं, अपने घराना के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने लाग रहे हैं। पहले तो हमने ज्ञान नहीं था, ज्ञान आ गया तो थोड़े थोड़े हम भी थोड़े लिबरेट होने लागे, लिबरल होने लागे। हाँ भाई वो ईगो तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ईगो छोड़ेंगे नहीं तो कारण शरीर जाओगा क्यों कर, तो कारण शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। इच्छा तो हम उड़े की राख, जो मोनिका कहने लाग रही थी, इच्छा तो है हमारे उड़े की, अरे हम छोड़ना चाहते नहीं तो छोड़ना तो पड़ेगा। तो हमने अपनी इच्छा सारी न्यू भी नहीं अक्कति मार दे, हम सारी इच्छा भी नहीं मारनी है, एक बार ट्राई करके देख लो। वो शो क्या करते, अगर तुमने ट्राई भी करनी है ट्राई करके देख लो, कितनी चुगली करके देखेंगे बताओ, कितना घर में स्टोर करके संग्रह करके देखेंगे, देख लो उड़े कीड़े लगेंगे, फंगल इन्फेक्शन होगा, सफाई ना हो तो फंगल इन्फेक्शन होगा। दुनिया में देखो कितनी बीमारियां हैं जो फंगल इन्फेक्शन से हैं। अगर नीचे न्यू क्यों धरे हैं, भंडार के भंडार धरे हैं, और फिर योग में लिखे अस्ते अपरिग्रह, अस्ते अस्ते तुम अपनाए नहीं कभी जिंदगी में, सारी जिंदगी स्टेज पर गाते रह गए अस्ते 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 अपरिग्रह, और स्टोर कर करके हमने धरते रहे, क्या करेंगे उसका। ये चीज हमें अपने जीवन में उतारनी है, मतलब खून की जगह ये चीज होनी चाहिए। मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है, मतलब मैं तो बहुत अच्छा महसूस करती हूँ जब मैंने न्यू बेरा पढ़ा। अच्छा अस्ते अपरिग्रह, अच्छा तो कितना टाइम हो गया, मैं ज्यादा तो नहीं बोल गई हूँ। अच्छा तुम चलो आज तुमने एक बात बता दूं मैं अस्ते अपरिग्रह की, बहुत 20 साल पहले की बात है, जब तो मतलब मैं मेडिटेशन में भी नहीं आई थी, तो उस वक्त मैंने स्वामी विवेकानंद और गीता की मैं फैन थी, 20-22 साल पहले की बात है, और हम पिंडदान करने जा रहे थे पेवा में। तो जैसे अब बेटा हुआ तो भाई छोरी है घर की, तो सूट साट दिया करें, सारे सूट इकट्ठे हो गए, घने सूट इकट्ठे हो गए, तो मेरे उस वक्त भी न्यू था भाई ये दान में देना है, ये सिलवाने सिलवाने को ना, ये तो एक साल तो है, इतनी मोटी हूँ तो ये सारे दान में ही दे दूंगी, बढ़िया है भाई पुण्य लगेगा। तो हम पेवा चले गए पिंड दान करन खातर, तो वहां मैं सूट लेगी कम से कम भी 35-40, और न्यू था अग भाई इकट्ठे कर लिए थे, इकट्ठे करके पिंड दान करन जाना था। तो वहां पे मेरी जो मेरे रिलेटिव थे वो बोले अग देखे ध्यान तो तारिये कारमात है, तार अग नहीं तो ये जो मांगने वाले है ना तेरे लत्ते पाड़ लेंगे। तो मैं बोली मैं कहा कोई बात ना, जो मांगेगा उसने दे देंगे, की बात है। मेरे अंदर वो अहंकार सा था, अहंकार की था अग भाई मेरे पास 40 सूट है, तो वो एक अंदर से अहंकार कैसे टूटता है देखो, तो सच में भाई बात होगी। अग जैसे सुगंध आ गई हो किसी ने, अग भाई इसका इस औरत दौरे तो मेरी मतलब मेरे रिलेटिव मेरे साथ थे, और जो दूसरी गाड़ी में जो लोग थे वो न्यारे पिंड दान करन खातर एक जगह ढूंढन लग गए। तो मैं और मेरी एक रिलेटिव हम दोनों वो लिफाफे नठा रहे को तीन लद रहे, तो साथ में जो मंगन वाले थे उन्हें मेरा पाटिया किस दौरे सूट है, तो वो सूट कंटिन्यू सारे लिफाफे पढ़ लिए और मैं भी पढ़ गई है, और वो सूट तो गए गए। वो दिन था जब मैंने योग की एक बात अपनी जिंदगी में सीखी, अग भाई अपरिग्रह कभी नहीं करना चाहिए, मतलब संग्रह तो किसी चीज का करना ही नहीं। वो चीज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा एक सबक था, अग भाई हम कट्ठे कर करके धर ले है ना, कई बार खाली शीशी हो भी पड़ी रहो है किसी किसी के घर में, न्यू देखा हम क्या करेंगे, फेंक तो उठा के क्यों संग्रह कर रहे हैं, फिजूल का संग्रह करके नहीं सोचेंगे आज ना दो ये सूट किसी ने काल दे देंगे, राज्य दे दो दिमाग में आ गए थे। वो है इंट्यूशन, सुप्रमेंटल बॉडी जो है हमारा विशेष गुण, फिर मन में नहीं सोचेंगे एक दो बोर पर लेंगे देखी जाओगी, क्यों फिर मन आ गया, मन ने ड्यूअलिटी क्रिएट कर दी,
ड्यूअलिटी क्रिएट करे पीछे, फिर न्यू कहोगे अच्छा ना कोई बात ना है तो दो महीने और चल जाओगा कोई बात ना, तो दे दो जब दिमाग में आ गई तो दे दो ने, क्यों मतलब रखो हो अपनी अलमारी ने साफ शुद्ध सात आठ लते रखो अपने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में सीखनी ही चाहिए, नहीं तो बतेरे ज्ञान तो बतेरा है, पोथी तो बतेरी पड़ी है, लाइब्रेरी बतेरी है, रिसर्च करने वाले ने बतेरी रिसर्च कर रखी है, पर असली बात ये हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो अपने जीवन में इन चीजों के अंदर हमें जरूर से जरूर बदलाव लाना चाहिए। तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ओके थैंक यू। और विनीता मैडम आप कुछ कहने लग गए थे, घने दिना में आपकी आवाज सुनेंगे हम। बस ऐसा ही है, जब थॉट्स ज्यादा परसिस्टेंटली होते हैं तब फिर मैं सोचती हूँ क्या बोलना चाहिए थोड़ा। आज जो तीनों सब्जेक्ट थे मेरी पसंदगी के सब्जेक्ट थे और इसी के लिए थोड़ा सा मैं फर्स्ट जो कैंडिडेट था तो मैं वो प्लेसिबो वाला था, उनका मैंने सुना नहीं, पर वाकई में प्लेसिबो का बहुत इफेक्ट होता है क्योंकि ये सारी चीज़ों के अनुभव मैंने अपने जीवन में करे हैं और मैं अनुभव के आधार पर ही मैं बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ। क्योंकि किताबें हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं, किताबें पढ़ के हम एक प्रकार की नॉलेज स्टोर कर रहे हैं और उस चीज को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो वही आपने जैसे अभी कहा कि भाई उन चीजों को धारण करोगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई किस तरीके से आप उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। तो प्लेसिबो का इफेक्ट नेचुरली बहुत होता है क्योंकि लोग बाग ये खा सोच रहे हैं कि भाई हम दवाइयां खा रहे हैं हम इससे ठीक हो रहे हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। अब पूजा जी ने थॉट्स के बारे में बताया होगा तो जो मैंने उनका मैं 7 बजे के घर में थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो जो थॉट्स होते हैं वो हमारे ही हाथ में हैं क्योंकि हम अपनी उस एनर्जी को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जिधर हमें विचार करना है। तो जिस भी चीज के लिए हम विचार अगर करेंगे वो विचार की शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि वो थॉट्स जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। मतलब आपने एक बीज डाला उस बीज को आपने एनर्जी दी अपने थॉट्स की एनर्जी दी तो जैसे ही आपने अपने थॉट्स की एनर्जी दी वो वहां से पनपना शुरू हो जाता है। जैसे हम एक पौधे के बीज को पानी डालते हैं सेम हमारे थॉट्स में इतनी ताकत है कि हम पूरे ब्रह्मांड में जो चीजें हमें चाहिए वो हम उनसे हासिल कर सकते हैं। जो कि मैंने भी अपने जीवन में जो जो चीजें चाही हैं वो मैंने अभी तक ईश्वर की कृपा से अभी तक सब पाई हैं। मैं अनुभव के आधार पर बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपना छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, पर मैंने पढ़ने की इच्छा और वो विचार मेरा यूनिवर्स में गया कि मैं बनना चाहती हूँ पर कैसे बनूं। साइंस बैकग्राउंड ना होने के कारण आप साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकते, आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते। किसी ने ऐसे ही सजेस्ट किया कि आप नेचुरोपैथी क्यों नहीं कर लेती हैं। 3-3.5 साल का नेचुरोपैथी का कोर्स किया, कोर्स करते ही आपको तजुर्बे आ जाते हैं धीरे धीरे कि भाई आप कैसे उपचार कर सकते हैं अपने घर में। अपना मैंने क्लिनिक बना हुआ है, लोगों अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, उस हिसाब से जो भी हम काउंसलिंग करते हैं या जो भी हम बोलते हैं बताते हैं हम अपनी विचारधारा के थ्रू एक सच्चे मन से। क्योंकि जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं वो भी शपथ लेते हैं और जो नेचुरोपैथ है वो तो क्योंकि कुदरत से जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली क्योंकि हमारे सेल्स और हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा ग्रो करती है कि हमारे हाथों में वो शक्ति आ जाती है और हम उस शक्ति के द्वारा क्योंकि सब एनर्जी का खेल है उस शक्ति के द्वारा हम लोग अपने पेशेंट्स की काउंसलिंग और ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो ये थॉट्स की विचारधाराओं की जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल होती है। ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। जो हम सोचते हैं ड्रीम्स कह लीजिए चाहे थॉट्स कह लीजिए जो हम सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपकी लास्ट कैंडिडेट थी आपकी मोनिका। मोनिका जी ने जो बताया है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, वाकई में ये मैं जब मैंने गंगाराम में एक महीने की हम लोगों की एक्यूपंचर की ट्रेनिंग हुई थी तब उस दौरान हमारे एक यूएसए से फ्रेंड आए थे जो कि MBBS MD डॉक्टर थे। वो वहाँ पे बताते थे कि उन्होंने इतना टिंड फून केन फूड और ये माइक्रोवेव ओवन का खाना क्योंकि वहाँ तो ताज़ा खाना होता नहीं है मिलता नहीं है तो वो खाना खाते थे और उस खाना खाने से उनको कैंसर हो गया था और वो खुद एक्यूपंचर का ट्रीटमेंट लेने के लिए और ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ इंडिया आए थे
और इंडिया आके वो एक डेढ़ महीने की हम लोगों के साथ उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, और वो ट्रेनिंग के बाद फिर अपना सेल्फ ट्रीटमेंट प्लस नेचुरल थेरेपी जो होती है, जो डाइट से चेंज करी जाती है, वो उन्होंने करी थी। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मेन खास होता है हमारे को हमारा गुस्सा, जो जनरली घरों में फीमेल्स के साथ भी होता है, और ये सब चीजें हमारी सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं, क्योंकि हमारे सेल में एक एक सेल में जान होती है और एक एक सेल हमारा आपस में एक दूसरे से बात करता है। तो कोलाइटिस का ये रहता है कि जितना आप अपने गुस्से को दबाएंगे, यानी कि उस चीज को सप्रेस करेंगे, वो ग्रो करेगा। वो फॉर्म्स उसकी अलग अलग हो सकती हैं, पर वो किसी भी जगह पर क्या, गुस्से का संग्रह आपको उसको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें भी वो पॉजिटिव अफर्मेशंस की अब बात आ जाती है कि आप किस तरीके से अफर्मेशंस, सेल्फ अफर्मेशंस दे के आप अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, अपनी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत से सेशंस होते हैं, मैं 4-5 आपको छोटे छोटे, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको नकारात्मक विचार आए, अपने उन विचारों को आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। जैसे ही आप अपने विचार, आपको मन में विचार आ रहा है भाई बच्चा आज अभी तक नहीं आया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, आप अपने विचारों को वहीं रोक दीजिए। रोकना सोचना आपके हाथ में है। जैसे ही आप रोकेंगे अपने उन विचारों को, तो आपका दिमाग में नेक्स्ट थॉट उससे रिलेटेड आएगा ही नहीं। जब वो थॉट नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका वो विचार वहीं रुक जाएगा। फिर आपका ये है कि कुछ भी चीज, लेट गो ऑफ द नीड टू बी सेल्फ पनिशमेंट। हम कई बार क्या होता है, अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देते रहते हैं। तो जब हम अपने आप के लिए क्रिटिसाइज करते हैं या बुरा बोलते हैं कि मैं तो हूं ही ऐसी, मेरे से तो ये गड़बड़ हो जाती है, मेरे से तो ये काम गलत हो जाता है, आप अपने आप को रोकिए वहीं, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं बोल रहे हैं वो फिर उस डायरेक्शन में, हमारे नेक्स्ट थॉट उसी डायरेक्शन में आने लग जाएगा। फिर एक थॉट के बाद फिर दूसरा, वो राई से पहाड़ वाली बात हो जाती है। इस तरीके से हमें अपने विचारों को बहुत माइन्यूटली नोट करना है कि हमें किस तरीके के विचार आ रहे हैं और कैसे विचार आ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को अप्रिशिएट करिए, आप अपने जो अच्छे मोमेंट्स हैं, जब ये विचार इस तरीके के आए तो तुरंत अपने थॉट्स को, अच्छे मेमोरीज, अच्छे विचारधारा और अच्छे थॉट्स जो आपको आते हैं, या कभी आपने पिक्चर देखने गए थे वो आपके जीवन का बहुत अच्छा एंजॉयबल मोमेंट था, आप अपने उन मोमेंट्स को याद करिए। तो जैसे ही आप वो मोमेंट्स को याद करोगे तो आपके ये वाले विचार जो आ रहे हैं ये चले जाएंगे। इस तरीके से आप अपने आप को एक बच्चे की तरीके से ट्रीट करिए, जैसे संगीता जी बताती हैं, अलाउ योरसेल्फ टू बी प्लेफुल लाइक अ चाइल्ड। अपने आप को जब हम बच्चे जैसे महसूस करते हैं, सिचुएशन कैसी आती है चेंज करना डिफिकल्ट होता है, पर जब हम कुछ स्टेप्स के साथ चलेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अपने उन विचारधाराओं में चेंज ला सकते हैं। बी अ मास्टर ऑफ योर ओन मूड, आप अपने मूड के खुद मास्टर बनिए। जब हम अपने विचारों को, क्योंकि विचार किससे कैसे आएगा, हमारी सोच से ही तो आएगा, हमें अपने ही सोच को ऐसा बनाना है कि हमारी सोच गलत डायरेक्शन में जाए ही नहीं। और उसके लिए क्या है, आपको अच्छे मोमेंट्स को याद करना है, अपने आप को पैटिंग करनी है, और अगर गुस्सा भी बहुत आ रहा है तो आप एक कमरे में जाइए, अपने आप को बंद करिए, जिसके लिए भी आपको गालियां देनी है, जिसको भी आपको बुरा भरा बोलना है, आप एक कमरे में बोल लीजिए। आप वो बोल लोगे तो क्या है कि वो जो थॉट्स आपके दिमाग में हॉबी हो रहे हैं या परसिस्टेंटली चल रहे हैं, तो वो थॉट्स जो है उसी रूम में रिलीज हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर में आप अपने उस कमरे को खोल दीजिए ताकि वहां से वो एनर्जी मूव हो जाए। जितनी भी विचारधाराओं का खेल है, हमारी सब एनर्जी का खेल है। तो सॉरी, आज मैंने बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों के बीच में ये बोल दी, क्योंकि टॉपिक मेरे इंटरेस्ट के थे। तो ओवर टू यू संगीता जी। थैंक यू, लव यू मैम। नो सॉरी, और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बताए आपने। हाँ, तो अब कहाँ गई हमारी वो सरिता मैडम, कहाँ गई हमारी, और एक मास्टर है प्रिया मैडम। प्रिया मैडम वांट्स टू टच समथिंग। प्रिया मैडम, यस Yes. संगीता मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। डीडी वाई हरियाणवी से मैं आपकी आशिक हो गई हूँ, मोहित कर दिया है आपने मुझे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि 4:15 बजे जुटने का, कोशिश पूरी होती है अटेंड करने की, और तमन्ना है मिलने की इंशाल्लाह। अवल खैर, पूरी कोशिश करेंगे हैदराबाद अगर मिले तो, नहीं तो जब लिखा होगा। Thank you.
एक सवाल पूछना था, जो आप बुक रिफर कर रहे हैं ना युक्तेश्वर गिरी जी का, उनका नाम बताएंगे? मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है क्रिया योग दर्शन। क्रिया योग दर्शन, ये मुझे बॉम्बे में मिल जाएगा ना उनके सेंटर में? ये हाँ उनके सेंटर में मिलेगा। ये स्वामी शंकरानंद गिरी जी की पुस्तक है, और ये मैंने ऋषिकेश में जब मैं मौन साधना में गई थी आज से 6 साल पहले, तब मैंने ये पुस्तक वहीं से लाइब्रेरी में, पता नहीं ये पुस्तक ऐसी थी कि जिसने मेरे को ऐसे खींच लिया, जैसे मोनिका और ये बता रहे थे कि कुछ पुस्तक ऐसी होती है, पूजा बता रही थी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खींच लेती हैं। तो इन्होंने मेरे को मौन साधना के दौरान ये इस पुस्तक ने मुझे खींचा, और मैं मतलब युक्तेश्वर गिरी जी से बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, तब मैंने ये पढ़ना शुरू किया था। जो क्रिया योग साधना बोले ना आप, क्रिया योग दर्शन। दर्शन 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 में जो होता है, दर्शन का मतलब हो गया आपका थर्ड आई एक्टिविटी, मतलब दर्शन शास्त्र इज समथिंग आप अंदर देखना शुरू कर देते हो। या कॉल करके पूछ लूंगी, मुझे मिल जाएगा बॉम्बे में? हाँ मिल जाएगा, अदरवाइज आपको मैं ऋषिकेश का नंबर भेजूंगी, वो व्यक्ति आपको फिर भेज देंगे, वहां पर पार्सल करवा देंगे। ठीक है ठीक है। और एक वॉइस मैसेज भेजूंगी मैं रिलेटेड टू माय प्रॉब्लम ऑफ माय थ्रोट विद आयुर्वेदिक। ओके ठीक है, क्योंकि एक ये गोली मुझे बंद करनी है, बाकी मेरी सारी दवाइयां बंद है। गोली कौन सी? थायरोनोम की ले रही हूं। ओके ये हो जाएगी अगर आप डेली एक्चुअली ध्यान करते हैं। और एक चीज हमें समझनी है कि एक आप जब मॉर्निंग में मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन करते समय आप ये सोचो कि मैं एक पूरी चेतना के सागर में हूँ। ओके और जो चेतना का सागर है उसी के अंदर मेरे ये सारे सातों शरीर हैं, मतलब उस समुद्र के अंदर ही मेरे सारे सातों शरीर हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पैरों के पास अभी चूहा आ जाता है, मैं फियर से कांपती हूँ, तो फियर को मैं कहीं मेजर नहीं कर सकती, नाप नहीं सकती कि मेरे कौन से शरीर में फियर आया, मेरे पूरे शरीर में आया। सेम इसी तरीके से अगर आपको अपने थायराइड या किसी को भी कोई भी बीमारी ठीक करनी है, तो आप चेतना के सागर में डुबकी लगाओगे तो वो चीज आपकी सेपरेट हो जाएगी और आप फिर से हेल्दी हो जाओगे। एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये था एज अ मेनोपॉज सिंड्रोम। कैन आई टॉक? डू यू हैव टाइम फॉर 5 मिनट्स? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिस केम एज अ मेनोपॉज सिंड्रोम, और मुझे दवा लेने के लिए बोला था, और 50 mg ले रही थी, और बोला था बिल्कुल बंद नहीं करना। तो जब फर्स्ट टाइम TSH मेरा था तो 9 तक था, नेक्स्ट मंथ इट वॉज नॉर्मल। उसके बाद जब भी नॉर्मल ही था, बट कभी डोज कम नहीं करवाया न बंद करवाया। कुछ सालों के बाद ये हाइपो हाइपर मिक्स हो गया, और 2016 में गॉइटर एंड डॉक्टर्स का जो बोलना था, हालांकि मैं टोटली नेचर की ओर पे पूरी कोशिश करती हूँ चलने के लिए, बट वो एक ऐसा मौका बन के आया था जो मेरा उन्हों को ये निकालना पड़ा गॉइटर। और फिर बाद में बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना हुआ, तो वो बोले तो तुमको तो वो मेनोपॉज सिंड्रोम था, डॉक्टर की दवाई बंद होनी पहले ही चाहिए थी, सो यू वर विक्टिमाइज। आई सेड नाउ दैट इज ओवर, बिकॉज हंसते हंसते मैंने अपने गले की सर्जरी कराई बकरी ईद के दिन डॉक्टर से, जब मैं कल लिखा था ये, क्योंकि जो चीज हो गई उस पर क्या बात करना ना। और एक्चुअली असली बात ये है, अभी जो जैसे थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, या आपका एड्रीनल ग्लैंड है, ये जो किडनी के ऊपर होता है, ये सारे हमारे इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। और इन जो ऊपर के हमारे ब्रेन के दो ग्लैंड हैं, जो एक पिट्यूटरी है और एक पीनियल है, मतलब दो ग्लैंड इतने इम्पोर्टेंट हैं, हमारा कुछ भी जो फीलिंग आएगा या किसी भी तरह का हमारे इमोशन आएगा, किसी भी तरह का थिंकिंग आएगा, तीन चीजें हैं, फीलिंग है, थिंकिंग है या इमोशन है। तो इमोशन क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो लॉन्ग टर्म तक चलता है, उसको हमें छोड़ना है। जैसे अभी विनीता मैडम ने भी कहा कि जो एफर्मेशंस हैं, एफर्मेशन ओनली एक एफर्मेशन आपको चुना, इतने मिक्सचर नहीं चुननी, एक एफर्मेशन आप अपनी लाइफ में कि कहीं मेरे को कहीं डेप्थ में कहीं कुछ, अगर ऐसा डीपर लेवल पे कुछ ऐसी फीलिंग है
कि जो आपको बार बार वो चीज ट्रिगर होती है या आपके कहीं डीप रूटेड वो कहीं दबी गई है, तो उसको हमें बार बार उस एफर्मेशन को निकालना है जैसे. और दूसरा ये है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे ब्रेन के, जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, ये कहीं खाना पीना योगा ये सब इनसे कोई संबंध नहीं है. इनका इनका संबंध है सीधा डायरेक्ट हमारा मन से, मेंटल बॉडी से. तो ये जो मन है इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें सेलेक्ट करके लानी है, तो वो सिलेक्शन ऑफ थॉट्स वो धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस से आएगा. जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, अभी अपरिग्रह सुनती तो बहुत आई थी आयुर्वेदा में बतेरा पट अपरिग्रह, लेकिन बाद में समझ आया संग्रह तो करना नहीं, अब तो मेरे को कोई चीज दिखती है मतलब इतना प्रैक्टिस हो गया कि सब खाली है. आप देखो कि ड्राइंग रूम में भी कुछ नहीं लगा रखा क्योंकि आपको आपको ये पता है, मतलब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे किन चीजों को अपने घर में जगह देनी है और किन को नहीं देनी है, क्लैरिटी है ना. सेम इसी तरह लाइफ में भी एक क्लैरिटी चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ना. तो ये चीज धीरे धीरे फिर हमें थायराइड में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. तो जो मैं बता रही थी कि आपको कि ऐसे सोचो कि आप चेतना के सागर में हो एंड योर सेवन बॉडीज आर इन द दैट कॉन्शियसनेस, आप चेतना के सागर में है. और जैसे फियर को विद इन सेकेंड हमारी पूरी बॉडी में रोटेट होता है, ऐसे ही एक क्वांटम लीप, ऐसे ही एक क्वांटम लीप है जिसमें आप, शायद आवाज चली गई है मैडम की, तो एक क्वांटम लीप है जिसमें आप एकदम से ठीक हो सकते हैं. मतलब आपके दिमाग को एकदम से ठीक होना आना चाहिए. जैसे जो आपको ठीक होना है तो आपके मन के अंदर, जो आपके मन के अंदर ये भावना अगर आ गई कि मुझे थायराइड ठीक करना है, तो 100% हम उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि यस ये डेफिनेटली ठीक होगा. ओके तो प्रैक्टिस करते रहिए. सर्जरी के बाद भी मुझे साइड इफेक्ट्स हुए थे, मेरे को फेशियल पैरालिसिस हो गया. आई डिडंट गो एनीवेयर, मैंने घर पे ही पूरा नेचर के हिसाब से ठीक किया, ना कोई दवा ली ना डॉक्टर को कांटेक्ट किया. देयर गॉड इज वेरी सपोर्टिव, मैसेजेस जो मिलते गए, जो गाइड्स थे जो बता रहे थे, बट सिर्फ ये एक बंद करनी है दवा. मैंने कहा पूछ के किसी से पीछे ये स्टेप लूं, क्योंकि बहुत मना कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं बंद करनी है, बिकॉज यू डोंट हैव अ ग्लैंड. यस. और नाक में आप, हम सुबह नस्य बताते हैं नाक में तेल लगाना है, दैट इज वेरी गुड. घी नहीं लगाना है, नहीं लगाना है कि, ओके. क्योंकि घी क्या होता है ना, वो जम जाता है, जम जाता है. तो आप अनु तेल एक लीजिए, अनु तेल ले सकते हैं, और या फिर आप बादाम का तेल लगा सकते हैं, सरसों का. बादाम का तेल ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके लगा. ऑलिव ऑयल नहीं लेना, ओनली बादाम ऑयल, ओनली बादाम का तेल. ओके. वो लिटिल बिट हैवी है, वो भी जम जाता है. हाँ, तो हमारी जो नर्व्स हैं वो रिसीव नहीं कर पाते, वो रिसेप्टर्स है ना वो ले नहीं पाते. तो सुबह 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 शाम जब आपको हो तो आप जरूर से जरूर नाक में तेल लगाइए. फेशियल पैरालिसिस का बेस्ट वे इन द वर्ल्ड है नाक में तेल लगाना, कभी भी नहीं. उसी दिन गुम हो गया जब क्रियाएं की घर पे, पढ़ाई नहीं. तो क्या होता है कि फेशियल पैरालिसिस और ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, नाड़ी तंत्र है, ये जब थॉट प्रोसेस ज्यादा होता है ना, तो देखो आप एकदम से ज्यादा थॉट प्रोसेस, गला सूख जाएगा. और आप अगर पेड़ को भी हग करोगे ना तो गला गीला हो जाएगा. एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो क्या है, जब आप थोड़ा सा भी ज्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, कुछ प्रेशर होता है, या कहीं मेरे अनुरूप कोई बात नहीं हुई तो गला सूखने लगता है. तो वो जो चीज है वो हमें धीरे 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 करके एक्सपेरिमेंट करने के तौर पे, क्यों फिर नाड़ियां सूख जाएंगी, नर्वस सिस्टम हमारा ड्राई रहने लगता है, सुकुड़ने लगता है. फिर एलोपैथी तो मॉडर्न तो ये बोलता है कि भाई नाड़ी एक बार सूख गई दोबारा तो नहीं होंगी, तुम्हारी नाड़ी दोबारा से रिजुविनेट नहीं हो सकती नर्वस सिस्टम. बट अभी साइंस फिर से बोलने लगी है कि अगर आप मेडिटेट करते हो, आप नाक में घी लगाते हो, आप मसाज करते हो, आप पंचकर्मा, बाहर का मसाज जैसे बहुत जरूरी है मसाज करना, जैसे पहले के जमाने में जनु बाड़का के करा करते मसाज हैं, बस 2 महीने करके 6 महीने करके छोड़ दे हैं बाड़का ने, अभी ठीक है बाड़क बड़ा हो गया, मतलब अपना इजी गोइंग है,
लेकिन हर संडे को, मतलब आई टेल यू कि मेरे जो बच्चे हैं अभी तक, मतलब टिल मेरी बेटी की मैरिज हुई तब तक एवरी संडे एक रूटीन था बचपन से लेके अभी तक कि भी तेल की कटोरी भर के दे दो और धूप में बैठो और लाओ. सिंपल है भाई, जिंदगी में कुछ और करेंगे. वो हम करते हैं, कोशिश करते हैं नहाने से पहले आधा घंटा पहले फुल बॉडी पे लगाने की कोशिश करते हैं. प्रैक्टिकली डेली आई ट्राई टू डू दिस. हाँ, हाथ पैरों पे लगाओ कभी कभी, मतलब जब आपको एक्सप्लोर करना है आपको, है ना, तो वो जो चीजें हैं. मसाज इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों है मसाज इम्पोर्टेंट, क्या कारण है कि भाई मसाज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो बॉडी का लास्ट लेयर है वो ये है, स्किन है. जो भी कुछ खाओगे 40 दिन के बाद हमारी स्किन के ऊपर आता है वो. अब वो स्किन के ऊपर आ गया तो अब ये है हमारा सारा इम्यून सिस्टम, यानी कि पेरिफेरल सिस्टम. अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं. साबुन लगा के सारे जो ऑयल, जो थोड़ा मोटा जो छटके वॉलिटाइल ऑयल, जैसे तुलसी का तेल है, जैसे यूकलिप्टस ऑयल है, वासा का तेल है, इसी तरह हमारी बॉडी में से भी ऑयल छन छन के हमारी बॉडी के ऊपर आता है. वो टेक्सचर, वो कहते हैं तेज क्या है. देखो विवेकानंद का तेज कैसा था, तेज क्या है वो दैट इज द ब्राइटनेस, दैट इज द ऑरा, है ना. तो अब अगर ऑयल लगाओगे आप, हफ्ते में एक बार मालिश कर लो नहाने से पहले, बहुत अच्छा है. और या फिर जैसे उबटन लगाते थे, हल्दी क्या करते हैं, हल्दी और तेल मिक्स करके रखो, जैसे उबटन शादियों में लगाते थे. तो ऐसे ही हमें वीक में एक बार जरूर से जरूर करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? अब हल्दी क्या करेगी, हल्दी और जब तेल आप मिक्स करते हो तो हल्दी क्या करती है, हमारे पोर्स को खोल देती है. हल्दी के अंदर वो गुण है ना, वो क्योंकि वो उसके अंदर तिक्त और कटुरस है, वो अग्नि पैदा करती है, उसके अंदर आयोडीन होता है. तो वो क्या करेगा कि वो हल्दी ऐसे वो खोलेगा तो उसके अंदर से कुछ टॉक्सिन्स होंगे वो निकल जाएंगे और हल्दी अपना काम करेगा. ये साइंटिफिक चीजें हैं, पर हम चलो अभी तो हम इसके ऊपर डिटेल में कभी सेशन रखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने अभी छोड़ दी हैं. यूं सोचे हैं अभी मेरे सिर में दर्द हो गया तब ठाक अपनी गोली खा लो. नो 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 नो, ऐसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए. हमें हमारे सिर में दर्द क्यों हुआ, हमारे घर का क्या इश्यू है, या मैं ज्यादा मैंने वर्क कर लिया, ज्यादा स्ट्रेस कर लिया, हमें अपना कारण तो ढूंढना चाहिए ना. भाई सिर में दर्द क्यों हो गया, पेट में दर्द क्यों हो गया, ये सब चीजें हमें फाइंड आउट करनी है. और लुईस एली ने तो सारी जिंदगी देखो 65 की एज के बाद टिल 95 तक उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना बड़ा काम कर गई. वो एट द एज ऑफ 65, हमने सोचो बूढ़े हो गए 65 में तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं कर सकते, है ना. तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और थैंक यू प्रिया मैडम, आपने मतलब थैंक यू सो मच कि बहुत सारी बातें आपने पूछी. तो इस बहाने मेरा भी थोड़ा सा नहीं हो गया, अभी एक आयुर्वेदा हुई तो लगता ही नहीं आयुर्वेदा की डॉक्टर हूँ अब तो ये अभी ठीक है. अपना यूट्यूब चैनल पे आप आ रहे हो, बताने लग रहे हो स्पिरिचुअलिटी है, बट आयुर्वेदा इज माय लाइफ. सुबह से लेके शाम तक आयुर्वेदा में ही जीती हूँ. लड़के उठन से लेकर सांझ तक सारा आयुर्वेदा है. घर में भी सारा जो है ना सब फॉलो कर रहे हैं, क्यों भाई हाँ आज के बनेगा पूछेंगे कि भाई मैं इसके साथ ये खा सकता हूँ, है तो अब मैं कहूंगी नहीं नहीं तुम नहीं खा सकते, तो फिर वो फॉलो भी करते हैं. तो ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. करे फिर सरिता मैडम ने मेरे तई कही थी पर्सनल, भाई 5 मिनट जरूर ध्यान कर लिया अगर जो और कुछ हो जाए तो. सरिता मैडम आपका इजाजत हो तो कर ले हम 5-7 मिनट ध्यान, फिर आप समापन कर दियो. बिल्कुल मैम, मेरी सी आज्ञा तो मैं तो बालक सु आप क्या हम को क्रिएटर हैं, अब सीख लो ये, ठीक है ना. वी आर द को क्रिएटर्स, हम सब एक जैसे हैं, हम सब बहुत प्यारे प्यारे डिवाइन मास्टर्स हैं. ओके चलो फिर आंख बंद कर लो भाई. हाँ बोलो. हाँ जैसे मोनिका ने बता दिया, हम जो सोचे वो हो जाए. मैं मेरे को 3 दिन के लिए होस्ट किया गया था, मैंने तीसरे दिन मना कर दिया. क्यों करा भी, मैं आगे जुड़े रहना चाहूँ तो आज करवा कर मैंने हटा दोगे, मैंने तो आगे जुड़ना है. तो उसे दिन बोल दिया आप 13 दिन करो, तो मेरी इच्छा थी कि मैं जुड़ू तो मैं 13 दिन के लिए जुड़ूंगी. तो ये है कि जो सोचेंगे वो तो मिलेगा. ये ब्रह्मांड है ना ऊपर से देख रहा है,
जो थर्ड आई मास्टर्स होते हैं ना, आपको वाइब्रेशन से पता लग जाता है कि ब्रह्मांड इज सो हैप्पी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो हम पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं, लोक कल्याण के लिए, ध्यान के लिए। और ये जो चर्चाएं हैं ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो पूरी दुनिया के पास जा रही है, है ना। तो हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब सोल फैमिली हैं, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। पत्री सर क्या बोलते हैं कि अनेक अनेक, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, यहाँ पर हम सब एक जैसे हैं। और पत्री सर ने एक चीज और बताई थी, मुदिता एक शब्द होता है, मतलब वो भी मैंने जीवन में सीखा और उसको जिंदगी भर अपना लिया। मुदिता होता है, एक होता है करुणा, एक होता है मैत्री, एक होता है मुदिता और एक होता है उपेक्षा। चार महात्मा बुद्ध का टीचिंग्स हैं ये। मुदिता का मतलब कि अगर विजेश मैडम को कविता आती है तो हमें उसको बहुत ध्यान से सुनना है और उसको सुन के उनको पूरा रिस्पेक्ट देना है। अगर विनीता मैम अपना अनुभव शेयर कर रही हैं तो वो शी इज नॉट ए मतलब सिंपल मास्टर, शी इज ए डिवाइन मास्टर, वी हैव टू रियलाइज दिस। और वो छोटी बात नहीं है, ये करके हमें उनको सुनना है और रिस्पेक्ट देना है। कन्हैया भैया अपने गीत गाते हैं तो हमें उनको सुनना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी वन। दिस इज द मीनिंग ऑफ मुदिता। अगर मेरा कोई यहाँ पे सर्वेंट खाना लेके आता है तो आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उतना ही आदर देती हूँ उसको। क्यों? क्योंकि ये सीख लिया, पहले भी आदत थी हमें, लेकिन अभी और सीख लिया हमने, और भी ज्यादा गहरा भाव आने लगा। तो ये किसी का खुल गया है, क्या खुला है? ओके, तो हमें हर किसी को रिस्पेक्ट देनी है और जब सुनते हैं तो बच्चे की तरह सुनना है। मुदिता का मतलब यह है कि आप जब किसी को सुनते हो तो अपने मन में पीछे नहीं चलाना। अगर पूजा अपना अनुभव शेयर करती हैं, प्रदीप अपना अनुभव शेयर करते हैं, डॉक्टर धर्मपाल शेयर करते हैं, तो वी हैव टू लिसन एवरी वन, है ना। तो ये मुदिता होती है। तो ओके, ठीक है, तो आप बहुत ग्रेट काम कर रही हो सरिता तैया मैडम, छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने आप से जुड़ जाते हैं। आंखें बंद, चश्मे उतार के एक तरफ रखते हैं, 5 मिनट के लिए हम ध्यान करते हैं। चेतना के सागर में डूब जाना आज 5 मिनट के लिए। यू हैव टू बी इन द ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस। आंखें बंद और पूरे शरीर को, आपके जो स्पंदन है वो आत्मा से कन्वे होते हैं, आत्मा से ही आते हैं, अदरवाइज तो हम जिंदा ही नहीं है। तो आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करेंगे और उस चेतना के महासागर में डूब जाएंगे। थोड़ा वॉइस कमी रखना भार्गव, ओके। मेरी सांस आ रही है और जा रही है, ये मेरा प्राण बाहर से जब अंदर जाता है और अंदर से जब बाहर निकलता है, तो मेरी किसी भी तरह की जो फीलिंग्स हैं, मेरी किसी भी तरह के जो पुराने पैटर्न्स हैं, उन सब को मैं छोड़कर अपने प्राण कर्म के साथ जुड़ रहा हूं। सांसों के प्रति जागरूकता यानी चित्त वृत्ति निरोधन। चित्त वृत्ति निरोधः, सारी वृत्तियों को छोड़कर अपनी सांसों के साथ जुड़ जाओ, अपनी सांसों के साथ ही रहिए।
और अपने कारण शरीर से भी किसी भी तरह की वृत्तियां हैं इन सबको छोड़ के बस उस चेतना के महासागर में जैसे हम डुबकी लगाते हैं, जैसे नदी जब बहती है तो उसके तिनके एक तरफ हो जाते हैं, सेम इसी तरीके से हमें भी उन सबको छोड़ के आगे बढ़ना है। मेरे चारों तरफ जो ब्रह्मांड का चेतन तत्व है, मैं उन सब के साथ कनेक्टेड हूँ, जैसे उस महासमुद्र के सागर में मैं बह रही हूँ। और सारी चीज अपने कारण शरीर की जितनी भी वृत्तियां हैं मैं उसको छोड़कर आगे अपनी सांसों के साथ निकलती जा रही हूँ। I am the pure conscious being. ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी कण नहीं जिससे मैं नहीं जुड़ी हुई हूं। और पूरे शरीर में आनंद की अनुभूति happiness, wellness, मेरे emotions भी पीछे रह गए और मैं आगे निकल गई। अपनी सांसों के साथ मैं आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ और अपनी total health को पा रही हूं। अंदर ही अंदर फकीरी, आनंद ही आनंद, जैसे बच्चे मुस्कुराते हैं अंदर ही अंदर उस तरीके से एक मिनट के लिए मुस्कुराइए। संपूर्ण चेतना आपके पास फिर से वापस आ जाती है। आखिरी एक मिनट सांस ही मेरा गुरु है और ये कॉन्शियसनेस जो हमें असीम यात्रा पर लेकर जाती है। मैं असीम हूं, मैं निराकार हूं, निरंजन हूं, दस नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक शून्य।
आराम से अपने हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखें और धीरे धीरे अपने हाथ आराम से अपना समय लेते हुए हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। तो ये तो असीम यात्रा है, असीम 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 शाश्वत, कितनी सुनहरी यात्रा है कि विदिन सेकेंड हम अपने चारों तरफ के ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं और विदिन सेकेंड हम उस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। तो ये ध्यान का रंग ऐसा है जो सबको ऊपर चढ़ने लग गया। तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो 2 मिनट्स ठीक है। ओके, क्या करेंगे अब? मैडम बोल रही है कि ऐश करेंगे, मजे करेंगे, चैट के ऊपर बात हुई है अभी, तो क्या करेंगे अब हम? ऐश करेंगे, मजे करेंगे, यही तो मजे के दिन है। ओके, तो बाय, लव यू ऑल, सबको सुबह मिलते हैं 4:15 बजे। बाय। भार्गव भाई कहाँ चले गए, सो गए क्या? हेलो हेलो, सुमित सुमित, हेलो भार्गव, आज तो सारे सो गए, आप लोग ही लीव कर दो अब तो।